हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं परसेंटाइल बूस्टर बैच में। आज हम लोग लेक्चर वन शॉट में कवर करने वाले हैं विच इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास चार पार्ट हो जाते हैं बेटा। पहला है हमारे पास फ्लूइड स्टैटिक्स वाला पार्ट, फिर फ्लूइड डायनेमिक्स, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। ये चैप्टर भी अगर मैं आपको बोलूं, क्योंकि सेचुरेशन आपका कहीं ना कहीं आ चुका होगा फॉर श्योर, ठीक है, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली रीसेट करेगा जैसी आपकी 12वीं स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये जो आखिरी के आपके आने वाले तीन चार चैप्टर के जो लेक्चर्स होने वाले हैं उसमें आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आपके जो खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, जो आपने टीचर के साथ लेक्चर में देख के बनाए हैं, लेक्चर को करते समय बनाए हैं, प्लीज आप उनको रिवाइज करिएगा। और अगर आपने ढंग से रिवाइज करे उनके जो भी फॉर्मुलेज आपको टीचर्स ने बताए, बीट फ्रॉम अ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कई बार क्या होता है कि टीचर क्वेश्चन कराता है और क्वेश्चन में ही कंसेप्ट को समझाता है, तो उस क्वेश्चन के कंसेप्ट को अगर आप रिकॉल करें या फिर अपनी थ्योरी को रिकॉल करें तो आपको अपने जेई मेंस के क्वेश्चंस में फ्लूइड्स में दिक्कत नहीं आएगी। जो भी मेंस लेवल के अगर हम लोग फ्लूइड्स के क्वेश्चन की बात करें तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके फॉर्मूला बेस्ड पे है और उनके स्मॉलर एप्लीकेशंस के ऊपर है। तो आपने अगर अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है, किसी भी टीचर के नोट्स हो, ये नहीं एक्स वाई जेड, सभी टीचर के नोट से ही आपका जेई मेंस का आएगा, ठीक है। कि कोई ऐसा नहीं है कि भाई कि मेरे नोट से आएगा या इनके नोट से ही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी बुक्स में भी वही कंटेंट है, सारे टीचरों के नोट्स में भी वही कंटेंट है। तो आपको सबसे पहला काम यह करना है कि इस लेक्चर से पहले आप अपना एक घंटा अप्रोक्सीमेटली लगा के अपने सारे फॉर्मुलेस को लिख के देख लीजिए, और लिख के देखने के बाद एक बार आप उनकी सारे मेन मेन पॉइंट्स जो भी टीचर ने डिस्कस किए हैं एक बार अगर आपने उस पर फोकस कर लिया तो आपको यहां पर जो क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे 30 के आसपास मैं अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 30 के आसपास क्वेश्चन है। तो ये 30 क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा कि हाँ कंसेप्ट हमारे पास रिपीट हो रहा है और आपके जो टीचर के नोट्स हैं वही आपको आने वाले चैप्टर्स में भी मदद उतना ही करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस चैप्टर की बात है, अगला जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल एक्सपेंशन है, थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट आएगा, वो वाला पार्ट हो या एसएचएम एंड वेव्स वाला पार्ट हो, होता क्या है कि आप मेंटली थोड़े से एग्जॉस्टेड हो जाते हैं जब तक आप फिजिक्स के इस पार्ट तक आते हैं, ऑटोमेटिकली रीसेट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, फिर आपको लगता है नई शुरुआत हो चुकी, चलो यहां से एनर्जी लगाते हैं, फिर आप ईएमआई तक जाते जाते एक बार सेचुरेट आउट करते हैं, ईएमआई एंड ईएम वेव्स वाले एसी वाले पार्ट में कुछ बच्चे सेचुरेट आउट कर जाते हैं, फिर ऑप्टिक्स में अचानक से ऑटोमेटिकली रीसेट होता है दिमाग आपका, ठीक है, और स्टार्टिंग का कुछ पार्ट आप करते हैं आखिरी के पार्ट में फिर आप सेचुरेट आउट होते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में ऑटोमेटिकली रीसेट करता है, आपको लगता है कि चलो नई शुरुआत है यहां से कुछ कर लेंगे, फिर जाके आप न्यूक्लियाई वाले पार्ट में जाके फिर से सेचुरेट आउट होते हैं। तो जब आपको पता है कि आपकी कहां पर जाके सेचुरेशन हो रहा है और कहां पर आपके इनपुट्स कम हो रहे हैं तो प्लीज थोड़ा कॉन्शियसली होके इसको थोड़ा विग्रस मोड में आ जाइए और यहां पर अपने इनपुट्स और बढ़ा दीजिए, तो आपको यहां पर इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो चलिए बेटा करते हैं लेक्चर की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी रो वन एंड रो टू, रो टू की डेंसिटी इज ट्वाइस ऑफ रो वन, ठीक है, तो हमारे पास आर फिल्ड अप बिहाइंड अ स्क्वायर वॉल ऑफ साइड 10 मीटर एज शोन इन द फिगर, ठीक है, स्क्वायर वॉल्व है तो हमारे पास साइड 10 मीटर की है, हमारे पास ईच लिक्विड हैज अ हाइट ऑफ 5 मीटर, द रेशियो ऑफ द फोर्सेज ड्यू टू दीज लिक्विड एक्सर्ट्स ऑन द अपर पार्ट MN टू द लोअर पार्ट NO, हमें बताना है, रेशियो बताना है, ठीक है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये कंसेप्ट बहुत अच्छा सा छुपा हुआ है, उस कंसेप्ट को आपको रिकॉल करना है, ठीक है। अब कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हमारे पास किसी भी कंटेनर में देखो फोर्स ऑन साइड वॉल करके आपके नोट्स में टीचर ने बताया होगा, फोर्स बाय लिक्विड ऑन साइड वॉल ऑफ कंटेनर करके आपको बताया गया होगा, मिल जाएगा आपको, स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, जब आप प्रेशर इक्वल टू एच रो जी की बात करते हैं और उसके बाद फोर्स एनालिसिस की बात करते हैं आपको ये चीज मिल जाती है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, इस पूरे मेथड में आप यहां पर क्या, क्योंकि प्रेशर होता है हमारे पास एच रो जी, ध्यान से देखना, ठीक है, जैसे जैसे आप लिक्विड में किसी भी डेप्थ पर जाते हैं तो आपका प्रेशर वेरी करता है, तो आप x डिस्टेंस पर जाते हैं, ये dx थिकनेस अगर मान लीजिए, तो इन सभी पॉइंट पर आपका जो प्रेशर होगा, इन सभी पॉइंट पर प्रेशर होगा आपका x रो जी,
और प्रेशर से जैसे आप इसके एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहां पर फोर्स मिल जाएगा, दैट फोर्स विल बी जो भी यहां पर प्रेशर है इनटू स्मॉल एरिया इसका। मान लीजिए ये हमारे पास लेंथ एल था, तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर आएगा एक्स रो जी और इसका एरिया हो जाएगा एल इंटू डी एक्स, एल इंटू डी एक्स, और मान लीजिए ये आपकी हाइट एच है, ठीक है। तो अब जरा आप टोटल फोर्स निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे df को, और कहां से कहां हमारे पास l इंटू dx आएगा यहां पर। आप अगर देखेंगे बेटा तो ये आपके लिए वेरिएबल है जिसके साथ x d है उस वो आपका वेरिएबल है, तो x की वैल्यू आप कहां से रखेंगे, सबसे पहली स्ट्रिप आप यहां पर रखेंगे तो x की वैल्यू आप 0 यहां डाल दीजिए, और अगली स्ट्रिप आप यहां पर रख देंगे बेटा तो आप x की वैल्यू h यहां डाल देंगे, तो आपका टोटल फोर्स आ जाएगा, तो आपको 0 से लेके h तक आपको इंटीग्रेट करना है। अब बात है, ये कंसेप्ट था जो आपको क्लास में बताया था, और इसी का एक एनालाइज्ड जो आपका रिजल्ट आता है, एनालाइज्ड रिजल्ट को जरा देखना, एनालाइज्ड रिजल्ट हमारे पास क्या है। जो इंटीग्रेशन से आपका रिजल्ट आता है वो एक्चुअली में जो भी आपकी ये साइड वॉल है, ठीक है, जो भी आपकी ये साइड वॉल है, आप यहां का प्रेशर P1 अगर मान लीजिए लिखें, यहां का प्रेशर अगर आप P2 यहां पर लिखें, ठीक है, यहां का प्रेशर P1 और यहां का प्रेशर P2, अगर आपको प्रेशर पता है तो आप प्रेशर एट द सेंटर निकाल लीजिए, प्रेशर एट द सेंटर दैट विल बी एवरेज P1 प्लस P2 बाय 2, इन दोनों का आप एवरेज ले लीजिए, और अगर आपको फोर्स चाहिए तो आप क्या करिए, एवरेज प्रेशर इंटू एरिया जो भी आपका ये सरफेस है इसके एरिया से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप जरा इसको इंटीग्रेट करके देख लीजिए बेटा, अगर आप देखेंगे तो यहां पर आ जाएगा एच रो जी बाय टू इंटू हमारे पास जो एरिया है दैट इज एल इंटू एच, आपको इस प्रकार से मिल जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आपका ये वाला आंसर आ रहा है तो ये उसी का ही एनालाइज रिजल्ट है। अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर आपका प्रेशर जीरो है, ठीक है, यहां पर प्रेशर आपका एच रो जी है, तो इनके बिल्कुल सेंटर पे प्रेशर हो जाएगा एच रो जी बाय टू, और एरिया से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। करना तो तरीका बेसिक मेथड तो इंटीग्रेशन है, लेकिन हमारे पास एनालाइज रिजल्ट से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब जरा देखते हैं, हमारे पास 5 मीटर यहां पर है तो एटमोस्फेरिक प्रेशर कहीं मेंशन नहीं है तो हम लोग नहीं लेंगे, मैं पॉइंट ले लेता हूं पी वन पी टू एंड पी थ्री, ठीक है। अगर हम लोग यहां पर बात करें तो प्रेशर एट वन आपके लिए जीरो हो जाएगा, प्रेशर एट टू की अगर आप बात करें तो हमारे पास हाइट है फाइव इंटू रो, अच्छा डेंसिटी अलग अलग है, टू लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो वन एंड रो टू, रो टू इज ट्वाइस ऑफ रो वन, तो ये टू रो वन है ये रो वन है, हैवियर डेंसिटी नीचे रहेगा, है ना, तो फाइव रो वन जी ये आ गया। और P3 की अगर आप बात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहां तक इसका हाइट है 5 रोवन जी की वजह से प्रेशर 5 रोवन जी प्लस 5 ऑफ 2 रोवन जी, इस प्रकार से आपको मिल जाएगा, है ना, इस प्रकार से। तो ये आपका आ जाएगा 5 रोवन जी प्लस 10 रोवन जी, तो 15 रोवन जी, ये आपका यहां पर प्रेशर बेसिकली आ गया। अगर मेरे को इस वाले पॉइंट पर फोर्स चाहिए कि इधर कितना फोर्स लगा दैट इज F1, ठीक है, और इस साइड वॉल पे फोर्स कितना लगा F2, हमें इन दोनों का रेशियो चाहिए, है ना। इन्होंने ये पूछा है द रेशियो ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू दीज लिक्विड एक्सर्ट ऑन द अपर पार्ट Mn टू द लोअर पार्ट Nn, और ये एक स्क्वायर साइड है, ये हमारे पास एक स्क्वायर साइड है। तो आइए अगर मैं F1 की बात करता हूं तो F1 विल बी एवरेज प्रेशर आपने लिखा इनटू एरिया हमें रखना है, ठीक है, तो एवरेज प्रेशर आपका हो जाएगा 5 रो 1 जी बाय 2 इनटू हमारे पास एरिया हो जाएगा 10 इंटू 5। सर 10 इंटू 5 क्यों, क्योंकि अगर आप इसकी ये वाली हाइट देखें ये 5 है, ये कुछ साइड व्यू में आपको ऐसा दिखेगा, ये आपकी 5 मीटर की हाइट हो जाएगी और ये स्क्वायर था तो 10 मीटर आपका ये हो जाएगा, ठीक है, तो एरिया आ जाएगा 10 इंटू 5। अगर मैं F2 की बात करूं बेटा तो ये आ जाएगा 15 रो 1 जी बाय 2 इंटू एरिया इसका भी 10 इंटू 5।
अगर मैं F1 by F2 का रेशियो निकालूं बेटा, तो F1 by F2 का रेशियो आपका कितना आ जाएगा? हमारे पास ये वाला कट ही जाएगा, रो 1 g/2 कट जाएगा, 5/15, तो दैट विल बी 1/3 आपका रेशियो बेसिकली आ जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन आप सभी लोगों को आंसर यहां पे मिलेगा, डी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। तो ये आपका जो कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट कि फोर्स ऑन अ साइड वॉल आपको ध्यान रखना है, इसी से एक ओवर एनालाइज रिजल्ट एक और आता है, टॉर्क ऑन द साइड वॉल, टॉर्क ऑन साइड वॉल, ये भी आपको कहीं ना कहीं कराया होगा, अगर नहीं कराया है तो आपके ऊपर है। एक मिनट रुक जाओ, मैं एसी का थोड़ा सा सेट कर लूं, ठीक है। हाँ, तो मैं यहां पे कह रहा हूं कि फोर्स अगर आपके पास आ गया तो टॉर्क आप कैसे निकाल सकते हैं, जरा देखो, ये इस वाली साइड के लिए, ठीक है, ये फोर्स जो लग रहा है ये इस वाली साइड के अबाउट इसको घुमाने की कोशिश करेगा ऐसे, तो अगर आप टॉर्क टोटल निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल टॉर्क करना है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना है। फोर्स आपने यहां पर निकाल लिया है एक्स रो जी एल डी एक्स, ये आपका फोर्स आ गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ये पूरा एच है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एच माइनस एक्स, तो आप यहां पर एच माइनस एक्स और रखेंगे, और इसका x का इंटीग्रेशन जीरो से h अगर कर देंगे तो साइड वॉल पे कितना टॉर्क है ये भी आप कैलकुलेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जब आप करते हैं तो उसके अराउंड की पूरी थ्योरी को आपको एनालाइज करके रखना है। चला जाए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वाटर फ्लोज इन अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब सी फिगर, द प्रेशर ऑफ द वाटर चेंजेस बाय 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। हमारे पास दो पॉइंट्स दे दिए हैं, ठीक है। अब बर्नौलीज का एप्लीकेशन है, एक पॉइंट यहां पर ए है और एक पॉइंट हमारे पास यहां पर बी है। ये वेंचुरी मीटर का अगर आपको रिकॉल करना, आप देखो इसमें आपका कंसेप्ट क्या होगा, आपका बर्नौलीज का कंसेप्ट, ठीक है, जहां पर पी प्लस हाफ रो वी का स्क्वायर प्लस रो जी एच आपका कांस्टेंट होता है, ये हम लोग यूज करते थे। रेट ऑफ फ्लो वेंचुरी मीटर में, अब याद करना, रेट ऑफ फ्लो की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका एरिया इनटू वेलोसिटी, ए1 वी1 इक्वल टू ए2 वी2, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये दो आपके हमारे पास प्राइम कंसेप्ट हो जाते हैं बर्नौली एंड वेंचुरी मीटर के। अब वेंचुरी मीटर का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा बड़ा सा होता है, कई बच्चे उसको याद नहीं कर पाते हैं, घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको भाई देखो श्योरिटी तो है नहीं कि वही वेंचुरी मीटर का क्वेश्चन आएगा और वही फॉर्मूला लगेगा, है ना, तो आप फॉर्मूला याद कर सके तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको एटलीस्ट कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि आप एक्चुअली में यही दो चीजें यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। आइए चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वाटर फ्लोज इन अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब, पहली बात इन्होंने जो हमें गिवन है, ठीक है, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब। अगर इन्होंने वर्ड बोल दिया है हॉरिजॉन्टल, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगा, लिक्विड का पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब बहुत मैटर करता है हमारे क्वेश्चन को कराने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, द प्रेशर ऑफ द वॉटर चेंजेस बाय 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिटवीन ए एंड बी, तो डेल्टा पी जो आपका प्रेशर डिफरेंस है ए और बी पॉइंट के बीच में, दैट इज 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट्स का ध्यान रखते हुए चलना है। वेयर द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ 40 and 20, तो अगर आप देखें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए इज 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर, अभी ऐसे रख लेते हैं लेकिन हमें ध्यान रखना है, ठीक है, अगर कहीं कन्वर्ट करना पड़े तो हम रखेंगे, और ये 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारे पास ये है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ट्यूब। अब कई बच्चे कहते हैं सर रेट ऑफ फ्लो कैसे निकालना होता है, अरे रेट ऑफ फ्लो इज कितना पानी फ्लो कर रहा है, कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो आपको याद रखना है रेट ऑफ फ्लो आपका होता है dv/dt, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के स्टेटमेंट में क्या है, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इनलेट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ आउटलेट, तो ये जो आपका ए1 वी1 है, एरिया इनटू वेलोसिटी इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो, कहीं पर भी अगर आपको रेट ऑफ फ्लो पूछा जाए तो आपको एरिया इनटू वेलोसिटी करना है। तो चलिए बेटा इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल ट्यूब है तो बर्नौलीज इक्वेशन अगर हम लोग बात करें, प्रेशर एट ए प्लस हाफ रो वी ए का स्क्वायर प्लस रो जी एच ए, जमीन से अगर आप कोई भी हाइट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप जमीन से कोई भी हाइट ले लेते हैं, तो ये एच ए और एच बी, ये हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब ये है दोनों की हाइट हमारे पास सेम है। सर ये तो थोड़ा सा ऊपर है, ये
ये एक्चुअली में कहने का मतलब इस क्रॉस सेक्शन की ही बात हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी प्लस हाफ रो वी बी का स्क्वायर प्लस रो जी एच बी, कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। और क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो हमारे पास एच ए इज इक्वल टू एच बी है, तो ये वाला पार्ट हमारे पास कट जाएगा, लिक्विड का डेंसिटी सेम ही रहेगा। अब जरा देखना दूसरी चीज हमारे पास, हमारे लिए एरिया ऑफ द ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी, यही आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं ये 40 है इंटू वी ए इज इक्वल टू 20 इंटू वी बी, ठीक है, तो ये हमारे पास वी बी इज ट्वाइस ऑफ वी ए आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यहां पर एरिया आधा हुआ है तो वेलोसिटी ट्वाइस हो जाएगी, सिंपल सी बात है ना, इसीलिए मैंने यूनिट भी कन्वर्ट नहीं करा अभी के लिए, ठीक है। अब हमारे पास जरा यहां पर ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं प्रेशर ऑफ ए, और याद रखना जहां पर प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ क्या कहता था, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीस, जब हम लोग पढ़ते थे कि प्लेन को लिफ्ट मिलता है, हमारे पास घर की छत उड़ जाती है, पानी का स्प्रे काम करता है, ये वाले जो कंसेप्ट थे वहां पर क्या था कि हमारे पास एप्लीकेशन में हम लोगों ने पढ़ा है जहां वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां पर प्रेशर आपका कम हो जाता है, ये तो आपने पढ़ा ही है ना। तो अब ऑब्वियस ही बात है वी बी अगर आपका ज्यादा है तो प्रेशर एट बी आपका कम हो गया होगा और प्रेशर ऑफ ए आपका ज्यादा हो गया होगा, है ना। तो मैं पी ए माइनस पी बी अगर लिखूं तो ये आपका आ जाएगा हाफ रो वी बी का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस आपको आई थिंक 700 दे रखा है ना, तो ये आपका आ गया 700 इज इक्वल टू हाफ इंटू पानी की डेंसिटी 10^3 केजी पर मीटर क्यूब, इन्होंने 1000 दे रखा है, यस, ठीक है, इंटू वीबी की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 4va का स्क्वायर माइनस va का स्क्वायर इस प्रकार से। तो 700 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, इक्वल टू 3va का स्क्वायर आपको इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। और अगर हम लोग देखें तो 0 0 उड़ा दे, ठीक है, ये 0 हट गया, ये हमारे पास 5 हो गया, 5 3 15, 7/15 का रूट इज इक्वल टू va आपका आ गया, ठीक है। अभी ये हमारे पास सारी चीजें स्टैंडर्ड यूनिट में चल रही हैं, तो ये आपका आया है मीटर पर सेकंड में, ध्यान से। अब हमें क्या चाहिए था, रेट ऑफ फ्लो, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था रेट ऑफ फ्लो, अब देखो इन्होंने रेट ऑफ फ्लो दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में, तो यूनिट हमें इसमें कन्वर्ट करनी है, आखिरी में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो निकाले, तो रेट ऑफ फ्लो अगर मेरे को चाहिए तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एरिया ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए। सर क्या मैं एरिया ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी से भी निकाल सकता हूं, यस सेम ही आएगा वो, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए इज 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ बी, अगर आप बात करें और वेलोसिटी ऑफ ए तो रूट ऑफ 7/15, ठीक है, मीटर पर सेकेंड है ये, ठीक है। तो 40 इंटू रूट ऑफ 7/15 इंटू मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, देखो डीवी बाई डीटी का आपको ये आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 4000 इंटू रूट ऑफ 7/15, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब बाय सेकेंड आपका आएगा। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट आउट करें तो 7/15 इसका रूट, ठीक है, इंटू हमारे पास 4000 अगर आप रखें तो ये आपका आएगा 2732 के आसपास, 2732 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के आसपास, ठीक है। तो आपका 2727, ये आपका सी ऑप्शन, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो पेशेंटली करना है क्वेश्चन को, बर्नौलीस की एप्लीकेशन का कंसेप्ट था तो मैंने आपको यहां पर कंसेप्ट बता दिया है। कहीं पर अगर आपको वेंचुरी मीटर मिल जाए या इस टाइप के ट्यूब वाले मिल जाए तो आपका कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, बस पेशेंटली आपको यहां पर लगाना है। चला जाए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अ स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉपलेट ऑफ डेंसिटी डी इज फ्लोटिंग एग्जैक्टली हाफ इमर्स्ड इन द लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, ठीक है, हमारे पास एक ड्रॉप है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगले पेज पे बना लेते हैं, एक हमारे पास एक ड्रॉप है इस टाइप से, ठीक है, और
ये हमारे पास इसके बारे में क्या क्या दे रखा है, स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ डेंसिटी डी, इसका जो खुद का डेंसिटी दे रखा है दैट इज डी, ठीक है हमारे पास, इज फ्लोटिंग एग्जैक्टली हाफ इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, ये आधा इमर्ज्ड है, ये हाफ इमर्ज्ड है, हाफ इमर्ज्ड मतलब अगर इसका टोटल वॉल्यूम अगर मैं वी ले रहा हूं विच इज इक्वल टू 4/3 πr³, तो वॉल्यूम इनसाइड आपका कितना होगा, वॉल्यूम इनसाइड आपका होगा ठीक है दैट विल बी 2/3 πr³, आधा वॉल्यूम इसका अपना लिक्विड के अंदर है, ये वाला जो पोर्शन है अगर आप बात करें तो ये वाला पोर्शन आधा लिक्विड के अंदर है, ठीक है ये वाला हमारे पास लिक्विड के अंदर है। अब इन्होंने क्या कहा है, इस फ्लोटिंग एग्जैक्टली हाफ इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, हमारे पास जो ये लिक्विड है इसकी डेंसिटी रो हमें गिवन है ठीक है, एंड सरफेस टेंशन टी, तो हमारे पास सरफेस टेंशन लिक्विड का टी गिवन है। अब ये आर्किमिडीज और दोनों का कॉम्बिनेशन है, द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट इज टेक इज, हमें रेडियस बताना है, कैपिटल आर मान लिया हम लोगों ने कोई दिक्कत नहीं। सरफेस टेंशन, टेक नोट दैट द सरफेस टेंशन अप्लाइज एन अपवर्ड फोर्स ऑन द ड्रॉप। अब इसके कंसेप्ट की बात करते हैं, इस क्वेश्चन में दो चीजों के कंसेप्ट को मर्ज किया गया है, एक आपका आर्किमिडीज कंसेप्ट, आप जरा देखो पहले हमारे पास जो बोयंट फोर्स होता है, बोयंट फोर्स अगर आप देखें तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी आपका होता है, और दूसरी बात अगर हमारे पास फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की अगर आप बात करें तो टी इंटू लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट, ये होता है लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट। अब बात है कि सर ये हमें पढ़ाया ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा, ये दोनों टॉपिक का अगर आप देखें तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के इनिशिएशन में ही ये कंसेप्ट बताया जाता है और सरफेस टेंशन की डेफिनेशन में ही कंसेप्ट में ये बताया जाता है ठीक है। अब क्या होता है, थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद सरफेस टेंशन में आपको बताया जाता है दो टाइप की बॉडीज होती हैं हमारे पास, जहां पर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट का कंसेप्ट आता है कि हमारे पास बॉडी क्या स्टिक करती है, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस का जब कंसेप्ट आता है, बॉडी अगर स्टिक करेगी तो लिक्विड इसके साथ कुछ इस प्रकार से अटैच हो जाएगा, है ना, जैसे आपने देखा होगा ग्लास के साथ वाटर जब होता है तो इस प्रकार से अटैच हो जाएगा, तो सरफेस टेंशन हमारे पास फोर्स ऐसे लगाता था नीचे के डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये कह रहे हैं सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में है, कहने का मतलब ये दोनों के बीच में कोई भी एडहेसिव फोर्सेस नहीं है ठीक है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा होगा, ये ऐसे बल्ज कर रहा होगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज लाइक ऑप्टूज 180 डिग्री हम लोग मान के चलेंगे ठीक है। तो इस केस में अब जरा देखना, क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है तो अगर हम लोग लॉ ऑफ फ्लोटेशन के हिसाब से बात करें तो इसका खुद का अपना एक वेट होगा पहली बात ठीक है, एक अपना वेट होगा, और ये लिक्विड में समर्ज्ड है तो इसके ऊपर एक अपवर्ड थ्रस्ट होगा बोयंट फोर्स का, और सरफेस टेंशन यहां पर अगर मैं इसको इस प्रकार से बनाऊं तो सरफेस टेंशन इसको यहां पर इस प्रकार से अपवर्ड डायरेक्शन में एक और फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ठीक है, वो लेंथ ऑफ कॉन्टेक्ट में आएगा, तो ये जो सरफेस टेंशन का फोर्स आएगा टी इंटू 2πr, ये फोर्स हमारे पास सरफेस टेंशन की वजह से हमारे पास और आएगा। आपको क्वेश्चन में याद करिए, जब आपको थ्योरी कराई जाती होगी तो एक रिंग को या डिस्क को लिक्विड में रखा है, लिक्विड के सरफेस पे रखा है, तो हमें कितना फोर्स लगा के इसको पुल ऑफ करना पड़ेगा, उस समय हम क्या मानते हैं कि लिक्विड ऐसे इसके साथ कांटेक्ट में है, याद करिए, एक ना एक एग्जांपल आपको जरूर कराया गया होगा, या तो रिंग का कराया गया होगा, या तो स्फेयर का कराया गया होगा, या तो डिस्क का कराया गया होगा, कहीं ना कहीं आपको कराया गया होगा, तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ता है, टी इंटू इस पूरे का सरकमफ्रेंस ठीक है 2πr। हम लोग इस वाले केस में हम लोग ये मान के चल रहे होते हैं कि यहां पर आपके एडहेसिव फोर्सेस है एंड एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज जीरो, क्योंकि इसी के बाद हम लोग एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट पर जाते हैं, है ना।
लेकिन इस केस में इन्होंने कह दिया फोर्स ऊपर लग रहा है, मतलब आपकी ये जो डिस्क है ये रिपेल कर रही है लिक्विड को, तो ये बल्जिंग टाइप का ऐसा आ जाएगा, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट आप 180 डिग्री लेके चलेंगे। तो अब जरा यहां पर देखना, क्योंकि लॉ ऑफ फ्लोटेशन के हिसाब से कोई भी बॉडी अगर फ्लोट कर रही है तो इस केस में जो भी आपका वेट है That will be equal to buoyant force, buoyant force जितना लगा और surface tension length of contact में जितना लगा वो, ठीक है। तो weight आपका क्या होता है, mass volume इसकी लिख रहे थे 4/3 pi r³, density of the body, weight में body की density d into g आप लिखेंगे, और buoyant force में आएगा volume of the body submerged into density of the liquid into g plus t into 2 pi r, कुछ इस प्रकार से आपकी मेन इक्वेशन बन जाती। अब दो तीन कंसेप्ट को अगर आप माइन्यूटली रिकॉल कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। हमें रेडियस चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है, एक r ये स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और पाई 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 हमारे पास कट गया, ये 2, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 2, इस प्रकार से हो जाएगा। तो 2 पाई आर पूरा कट चुका है, तो जरा इस इक्वेशन को देखें तो यहां पर आपका आ जाएगा 2/3 pi कट चुका था, आर स्क्वायर इंटू डी इंटू जी प्लस इक्वल टू 2/3 r² या हमारे पास, अच्छा ये 2/4 नहीं होगा यहां पर, ये तो हाफ समझ था ना, अगर ये हमारे पास पहले से ही हाफ समझ था तो ये 2/3 होगा और ये वाला 2 इसके साथ कैंसिल आउट ही हो गया होगा। तो यहां पर आपका आएगा, ठीक है, यहां पर आपका आएगा r² / 3 इंटू रो इंटू जी प्लस टी, कुछ इस प्रकार से आएगा, है ना। जरा देख लो यहां पर बच्चा 2/3 pi हट चुका है, r² dg 2/3 r² dg, ठीक है, और फिर यहां पे 2 कट चुका है, r² rho g/3 और सरफेस टेंशन t, ठीक है। तो हमें तो रेडियस चाहिए था, इसको इस साइड ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 2/3, ठीक है, और d माइनस 1/3 इंटू रो r² g इस प्रकार से इक्वल टू t, आपका ये आ गया, ठीक है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो यह आ जाएगा 2d - ρ/3 इंटू जी r² = t बेटा। तो अगर आप r² की बात करेंगे तो आएगा 3t / 2d - ρ × g, और r की अगर आप बात करेंगे तो यह आपका रूट चढ़ जाएगा, तो यह आ जाएगा 3t - 2d - ρ, 3t / 2d - ये वाला हमारे पास आपका आंसर, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको यहां पे कौन कौन से कंसेप्ट को रिकॉल करना है, आपके बोयंट फोर्स कैसे लिखना है, सरफेस टेंशन का फोर्स कैसे लिखना है, एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन के हिसाब से आपको किस प्रकार से लिखना है, तो दो तीन कंसेप्ट आपको यहां से रिकॉल करने हैं। चला जाए आगे, अगला क्वेश्चन रोटेटिंग फ्लूइड का कंसेप्ट है, ये वाले क्वेश्चन भी आपको कई बार मिलेंगे तो ध्यान से करना है, ठीक है। अ सिलेंड्रिकल वेसल कंटेनिंग अ लिक्विड इज रोटेटेड अबाउट इट एक्सिस सो दैट द लिक्विड राइजेस एट इट साइड एज शोन इन द फिगर। जैसे आप अपना कभी भी आपने बचपन में अगर दूध पिया होगा, ठीक है, तो जब आप दूध को मिलाने के चीनी मिलाने के लिए उसको करते हैं तो ये इस टाइप से पैराबोलॉइड एक स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है, थ्री डायमेंशनल पैराबोला इज पैराबोलाइड, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब आप इसको घुमाते हैं तो ये इस टाइप से कर्व टाइप का एक स्ट्रक्चर हो जाता है। द रेडियस ऑफ द वेसल इज 5 cm, द एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा, रोटेशन इज ओमेगा, द डिफरेंस इन द हाइट h ऑफ लिक्विड हमारे पास एट द सेंटर ऑफ द वेसल एंड द साइड विल बी। अब इसके कंसेप्ट को रिकॉल करें सबसे पहले, ठीक है, हमारे पास कंसेप्ट को जरा आप रिकॉल करिए। कंसेप्ट है आपका रोटेटिंग फ्लूइड, रोटेटिंग फ्लूइड आपको कहीं ना कहीं एक्सेलरेटेड फ्लूइड्स के बारे में बताया गया होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका एक लिक्विड है इस टाइप से, ठीक है, आपका एक कंटेनर था, कंसेप्ट याद करा रहा हूं कि आपको कहां कराया गया है। अगर आप इसको ए एक्सेलरेशन से लेके जा रहे हैं ग्रेविटी वाले स्पेस में तो ये कितना एंगल हमारे पास बेंड हो जाएगा, तो हमें यहां पर ये थीटा बताने की बात आती है। ये बिल्कुल लॉज ऑफ मोशन में टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी का ही रिजल्ट आता है, क्योंकि हर पार्टिकल इसी प्रकार से बिहेव कर रहा होता है। तो अगर आप देखें तो इसके पास हर पार्टिकल के पास जी है, हर पार्टिकल के पास सूडो एक्सेलरेशन ए है। अगर इसी फ्रेम में जाए तो हमारे पास जो नेट इफेक्टिव ग्रेविटी आती है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर आती है।
सारी लेयर्स इसके परपेंडिकुलर सेट हो जाती हैं। तो आप यहां पर भी अगर आप बात करेंगे टेन थीटा, यही थीटा आपको यहां पर भी मिलेगा, ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू ए बाय जी। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम के कंसेप्ट को जब आपको बताया गया होगा वहीं पर या तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में या तो ये थ्योरी के फॉर्म में रोटेटिंग फ्लूड का कंसेप्ट भी बताया गया होगा। जब हमारे पास कोई भी फ्लूड, ध्यान से समझना, अगर हमारे पास कंसेप्ट आपको रिकॉल करना है, कोई भी फ्लूड को जब आप रोटेट करते हैं, ठीक है, हमारे पास रोटेट करते हैं तो यहां पर एक पैराबोलॉइड का स्ट्रक्चर हमारे पास आता है, ठीक है, पैराबोलॉइड का यहां पर हमारे पास स्ट्रक्चर आता है। तो ये जिस कर्व को फॉलो करता है, ठीक है, अगर आप इसको जो इसका लोएस्ट पॉइंट है उसको अगर आप अपना ओरिजिन मान ले, ठीक है, जो आपका लोएस्ट पॉइंट है अगर आप इसको अपना ओरिजिन मान ले तो ये जो इक्वेशन होती है, ठीक है, मान लीजिए आप किसी एक्स पर हैं और ये किसी वाई की अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका कर्व है दिस इज कॉल्ड अ पैराबोलॉइड। सर पैराबोला क्यों नहीं? क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल होगा ना बेटा। आप जब चम्मच से दूध को मिलाते हैं तो ये एक बाउल टाइप का अंदर से शेप बन जाता है, थ्री डायमेंशनल होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पैराबोलॉइड। और ये होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू जी, ठीक है। ये अब आपको कंसेप्ट कहीं ना कहीं क्लास में बताया गया है, ध्यान से इसको एक बार रिकॉल करिए, ध्यान से एक बार इसको रिकॉल करिए। तो इसकी इक्वेशन हमें पता है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर मैं ओरिजिन ले लूं, हाइट डिफरेंस की बात है तो 5 सेंटीमीटर आने पर इन्होंने कहा है कि ये कितनी हाइट होगी ये बता दो। तो मैंने कहा यार ये जिस कर्व पर है उस कर्व की इक्वेशन मेरे को पता है, वाई इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू जी। अगर आप ध्यान से देखें तो इस कर्व के लिए ये वाला पॉइंट जो है इस कर्व पे ही लाई कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू आपके लिए 5 सेंटीमीटर अगर मैं डाल दूं, ठीक है, तो वाई की वैल्यू एच हो जाएगी आपके लिए, वाई की वैल्यू एच हो जाएगी, सेंटीमीटर में ही पूछा है। तो यहां पर आपका एच हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 25/2g इस प्रकार से, तो 25 ओमेगा स्क्वायर बाय 2g आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है। तो 25 ओमेगा स्क्वायर बाय 2g डी ऑप्शन आपका आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन आपको लगेगा सर ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन इसके पीछे की मेहनत है, इसके पीछे का रिवीजन है, आपको ये सारी चीजें रिकॉल करनी पड़ेंगी बेटा। अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी तो वो एक लाइन का क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको वहां पर डिराइव करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं जब आपको थ्योरी अगर आपके हाथ में है तो आप क्वेश्चन को भी आसानी से पकड़ सकते हैं। चला जाए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ कैपिलरी ट्यूब मेड ऑफ ग्लास ऑफ रेडियस 0.15 mm, ठीक है, इज डिप्ड वर्टिकली इन अ बीकर फिल्ड विद अ विद मिथाइलिन आयोडाइड, पता नहीं क्या होता है जो भी है, ठीक है, मिथाइलिन CH3I ऐसा तो नहीं होता होगा, ठीक है, लेकिन जो भी है हमारे पास कोई एक लिक्विड है। हम लोगों ने अब ये कंसेप्ट है आपका कैपिलैरिटी के ऊपर, कैपिलैरिटी एक्शन के ऊपर। अगर आप किसी भी ट्यूब को किसी भी लिक्विड में डालते हैं, ठीक है, किसी भी ट्यूब को ऑफ रेडियस आर अगर आप इसको इस लिक्विड के अंदर डालते हैं तो ये लिक्विड ऑटोमेटिकली राइज हो जाता है, ठीक है, यहां पर प्रेशर डिफरेंस सरफेस टेंशन की वजह से आता है, ऑटोमेटिकली राइज हो जाता है। तो हाइट राइज का फॉर्मूला अगर आपने देखा हो तो दैट इज 2t cos theta / r ρg आपका ये हो जाएगा हाइट राइज ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। अब जब देखो इन्होंने क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, सारे डेटा को देखते हैं। अ कैपिलरी ट्यूब मेड ऑफ ग्लास ऑफ रेडियस पॉइंट, हमारे पास जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 0.15 mm, ये है आपका रेडियस, ठीक है, इज डिप्ड वर्टिकली इन अ बीकर फिल्ड विद अ मिथाइलिन आयोडाइड, सरफेस टेंशन की वैल्यू जो आपको दे दी है दैट इज 0.05 newton per meter आपको ये दे दिया है, ठीक है, डेंसिटी इज 667 हमारे पास, ठीक है, दे दी है, केजी पर मीटर क्यूब में ही होगा। ऑब्जर्व दैट टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द लिक्विड इंटरफेस फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ द कैपिलरी मेक एन एंगल ऑफ 60° विद वन अनदर, एच इज क्लोज टू, जी की वैल्यू आपको दे दी है, आप 10 ले लीजिए। भाई देखो आपसे सीधे हाइट पूछी गई है, ठीक है, ये पूछा गया, सरफेस टेंशन दे दिया गया है, रेडियस दे दिया गया है, डेंसिटी दे दी गई है, जी दे, सब कुछ दे दिया है, बस एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट का ही कुछ ना कुछ हमें ध्यान देना है। तो आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करें, जरा यहां पर ध्यान से देखना। मान लो ये साइड वॉल है, मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू की बात करूं, ठीक है,
अगर मैं यहां पर क्रॉस सेक्शनल व्यू की अगर मैं यहां पर बात करूं, ठीक है, इस प्रकार से, तो जो आपका लिक्विड है वो ऐसे कहीं होगा, राइट। तो इन्होंने हमें क्या बोला है कि अगर हम लोग दोनों साइड से टेंजेंट बना लें, ठीक है, अगर हम लोग दोनों साइड से टेंजेंट बना ले तो ये जो आपके टेंजेंट हैं ये मीट कर रहे हैं दोनों साइड वाले 60 डिग्री पर। यही तो कह रहा है, देखो इन्होंने क्या कहा है, द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द लिक्विड ग्लास इंटरफेस। जो आपका लिक्विड ग्लास का इंटरफेस है, यहां पर आपका लिक्विड है, यहां पर आपका ग्लास, ये वाला आपका ग्लास है, तो लिक्विड ग्लास के इंटरफेस पर अगर आप दो टेंजेंट बना रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द कैपिलरी मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वन अनदर, एच की वैल्यू बतानी है। जो हमारे पास हाइट का फॉर्मूला होता है दैट इज 2t cos थीटा बाय r rho g। अब कई बच्चों को फॉर्मूला तो रटा हुआ है लेकिन ये थीटा क्या है सर ये याद नहीं, ये होता था आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट या तो क्वेश्चन में दिया जाएगा या तो किसी प्रकार से निकाला जाएगा। अगर आप देखें तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपका यहां है थीटा, यहां है थीटा, तो अगर ये आपका 60 डिग्री है तो क्या आप कह सकते हैं कि ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री हुआ तो ये वाला भी आपका 30 डिग्री हो गया बेटा, तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट आपका 30 डिग्री है। तो हाइट की अगर आप बात करें तो 2 इंटू टी की बात करें तो सरफेस टेंशन था 0.05 इंटू कॉस 30 आपका आ जाएगा डिवाइडेड बाय रेडियस आपका कितना था बेटा 0.15 मिलीमीटर 10^-3 डेंसिटी जी की वैल्यू 10 दे रखी है डेंसिटी आई थिंक 667 केजी पर मीटर क्यूब आपकी सारी चीजें इस प्रकार से हैं, ठीक है 667 ही था, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। मैं कैलकुलेशन आप पे यहां पर छोड़ रहा हूं, कंसेप्ट आपको ये वाला देखना है, ठीक है। तो हाइट राइज के कंसेप्ट पे इन्होंने एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट को थोड़ा सा घुमा के दे दिया है और कोई घबराने वाली बात यहां पर नहीं है। चला जाए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल आर 1.01 एंड 1.02 एटमॉस्फेयर रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज। देखो यार जो सरफेस टेंशन का टॉपिक है ना बेटा है तो बहुत छोटा सा लेकिन काफी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सरफेस टेंशन, क्योंकि देखो मैं हमेशा कहता हूं जो लास्ट के टॉपिक्स है ना उसमें थोड़ा सा आप और एनर्जी लगा दो जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट से पहले, रीजन भी क्योंकि हर बच्चा वहीं पर आके सेचुरेट आउट करेगा और अगर आपको कॉम्पिटिशन से सेपरेट आउट स्टैंड करना है तो आपको कहीं ना कहीं उनकी वीकनेस को अपनी वीकनेस नहीं बनाना है, वहां पर आपका स्ट्रेंथ पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अब जरा देखो, प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल्स, अब कंसेप्ट आपका क्या है पहले कंसेप्ट की बात कर लेते हैं सो दैट वी कैन रिकॉल। हम लोग हर क्वेश्चन से अपने कंसेप्ट को रिकॉल करते चलेंगे जहां जहां पर आप रिकॉल कर पाए। अगर आप सोप बबल की बात करें तो इसके अंदर दो सरफेस होते थे और अंदर सरफेस टेंशन की वजह से यहां का जो प्रेशर होता है, अगर मैं बात करूं ये प्रेशर अगर आपका ए है, बाहर का अगर आपका प्रेशर बी है, तो प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ बी। ये ए पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होता है बी पॉइंट के प्रेशर से और इनके बीच का जो प्रेशर का डिफरेंस है दिस इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। क्या कहते हैं हम लोग इसको? एक्सेस प्रेशर, ठीक है। तो ये जो आपका एक्सेस प्रेशर आता है पीए माइनस पीबी दैट इज इक्वल टू 4t बाय इसका जो भी रेडियस है दैट इज आर, ये आता है, क्लियर। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, अगर ड्रॉप का केस होता तो ना ड्रॉप के केस में हमारे पास कितना आएगा 2t बाय आर, क्योंकि वहां पर एक सरफेस होता है, ठीक है। तो ये आपको रिकॉल कर लेना है। अब इन्होंने कहा कि हमारे पास दो सोप बबल्स है, तो मान लीजिए एक सोप बबल ये है और एक सोप बबल हमारे पास ये है, ठीक है। थिकनेस नेग्लिजिबल होती है, इसका जो हमारे पास प्रेशर इनसाइड की अगर आप बात करें तो इस वाले में है 1.01 atm एंड इसका प्रेशर इनसाइड है दैट इज 1.02 atm। देखो भाई प्रेशर आउटसाइड तो दोनों के लिए 1 atm है, 1 atm है ना, तो हमारे पास इनसाइड ये है तो एक्सेस प्रेशर जो हुआ डेल्टा p1 अगर आप देखेंगे तो ये 0.01 हमारे पास एटीएम का आएगा और डेल्टा P2 इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर है दैट इज 0.02 एटीएम, ये आ गया रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, तो भाई अगर आपका एक्सेस प्रेशर आ गया, मान लो इसका रेडियस हमारे पास R1 है, इसका रेडियस हमारे पास R2 है, तो मैं ये कह सकता हूं डेल्टा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ये कंसेप्ट यहां से आ गया।
है ना। तो हमें वॉल्यूम का रेशियो चाहिए, तो अगर मैं V1 by V2 की बात करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 4/3 πr1³ / 4/3 πr2³। ठीक है, ये आपके पास आएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, मींस r1 / r2³³ आपको करना था। और अगर आप देखें तो सरफेस एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं δp2/δp1³³। δp2 आपका कितना था बेटा, 0.02, ये 2:1 का रेशियो है आपका का क्यूब, दैट इज 8:1 आपका आंसर बेसिकली आ जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे डी ऑप्शन बेटा आपको आंसर प्रतीत होता हुआ दिखाई देगा। चला जाए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जेई मेंस 2020 का, अ फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन विद अ स्पीड वी मीटर पर सेकंड एट अ पॉइंट वेयर प्रेशर इज पी पास्कल। देखो फिर से आपका हॉरिजॉन्टल पाइप का कंसेप्ट आ रहा है। हॉरिजॉन्टल पाइप में आप एक टर्म कंसेप्ट याद रखना, फॉर अ हॉरिजॉन्टल पाइप, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पाइप है तो आप पोटेंशियल एनर्जी, आप कहेंगे दोनों साइड सेम होगी तो आप सीधे लिखे पी प्लस हाफ रो वी का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू P2 + ½ρ V2² आप सीधे प्रेशर एनर्जी और अपनी काइनेटिक एनर्जी के सम को कांस्टेंट कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी दोनों साइड से हमारे पास कट जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, अ फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है, द स्पीड वी मीटर पर सेकेंड एट अ पॉइंट वेयर प्रेशर इज पी। तो मैं अगर इसी की बात करूं तो एक पॉइंट पर आपका प्रेशर पी है और वहां पर आपकी स्पीड वी है, ठीक है, इक्वल टू एट अनदर पॉइंट द प्रेशर इज P/2, दूसरे साइड पर कहीं ना कहीं प्रेशर P/2 है, एंड इट्स स्पीड इज कैपिटल V, तो हाफ रो कैपिटल V का स्क्वायर है। इफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज रो, द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, देन V इज इक्वल टू, तो ये यहां से यहां ले आओ तो हमारे पास बर्नौली का कंसेप्ट है भाई, बिल्कुल सिंपल सा। अब कुछ बच्चे नाम से पढ़ के ही नहीं जाते, तो ये P/2 हो गया प्लस हाफ रो वी का स्क्वायर हो गया इक्वल टू हाफ रो कैपिटल वी का स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 2 2 2 हमारे पास कट गया, ये आ जाएगा P/rho प्लस हमारे पास वी स्क्वायर का रूट इक्वल टू वी। ठीक है, तो अंडर रूट में P/rho प्लस वी का स्क्वायर, P/rho प्लस वी का स्क्वायर, ए ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। चला जाए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अ हाइड्रोलिक प्रेस, ये आपका कंसेप्ट आ रहा है हमारे पास पास्कल्स लॉ का, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ पास्कल्स लॉ। ठीक है, देखो अगर आप, तो हमारे पास सारी चीजों के ना कंसेप्ट को कहीं ना कहीं इन्होंने घुमा फिरा के छोटे मोटे क्वेश्चंस में पूछा है, तो आपको चैप्टर तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। याद करिए हाइड्रोलिक लिफ्ट में हमारे पास क्या होता था कि आप एक इनकंप्रेसिबल फ्लूइड को रखते थे, यहां पर आपका एक स्मॉलर एरिया का पिस्टन होता था, यहां पर आपका एक लार्जर एरिया का पिस्टन हमारे पास होता था, यहां पर जो आप फोर्स लगाते थे और यहां पर जो आपका फोर्स होता था, तो इधर जो आपने प्रेशर बनाया, पास्कल्स ने क्या बोला था कि द स्मॉल चेंज या एनी चेंज इन प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एट एनी पॉइंट, अगर आप किसी भी लिक्विड में किसी भी पॉइंट पर प्रेशर को चेंज करेंगे, इट विल बी ट्रांसमिटेड टू ऑल द पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड विदाउट डिमिनिशिंग इन द वैल्यू, मींस वो हर पॉइंट पर पहुंच जाएगा वही जो चेंज आपने, अगर मान लो 2 N/m² का प्रेशर आपने और बढ़ा दिया किसी भी पॉइंट पर, तो वो प्रेशर आपके लिक्विड के हर पॉइंट पर इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो प्रेशर F1/A1 मस्ट बी इक्वल टू F2/A2 का कंसेप्ट हमारे पास आता था। अगर आप देखें तो F2 इज इक्वल टू A2/A1 इनटू F1 होता था, और यहीं से आप बात करते थे कि अगर A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1 है, तो आप बड़ा फोर्स, एक स्मॉल फोर्स लगा के, आप एक गाड़ी को हल्का सा फोर्स लगा के, छोटे वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे आप स्मॉलर फोर्स लगा के एक हैवी ऑब्जेक्ट को बैलेंस आउट कर सकते हैं। दैट वाज द एप्लीकेशन। और इसी एप्लीकेशन का एक और मतलब दूसरा तरीका था हाइड्रोलिक ब्रेक्स का। तो आपको ये साइड बाय साइड इस कंसेप्ट को रिकॉल कर लेना चाहिए। भाई साहब अब AC नहीं चलाएंगे तो गर्मी कर देंगे, चलाएंगे तो इग्लू बना देंगे। ठीक है बेटा, चलिए
तो ये हमारे पास कंसेप्ट था। आइए जरा इसके बारे में अब बात करते हैं। अ हाइड्रोलिक प्रेस कैन लिफ्ट 100 केजी व्हेन अ मास एम इज प्लेस्ड ऑन द स्मॉलर पिस्टन। अगर मैं स्मॉलर पिस्टन की बात करूं तो आपने एमजी यहां पर रखा डिवाइड बाय ए वन, ठीक है, और आप दूसरी साइड कितना उठा रहे हैं 100 केजी, 100 जी डिवाइडेड बाय ए टू, दूसरे का एरिया ये है, ठीक है। हमारे पास ए वन इज द एरिया ऑफ स्मॉलर पिस्टन, एरिया ऑफ स्मॉलर पिस्टन, क्लियर, ये हम लोगों ने ले लिया। ओके, इट कैन लिफ्ट इतना केजी व्हेन द, क्या लिखा है, इट कैन लिफ्ट इतना केजी व्हेन द डायमीटर ऑफ द लार्जर पिस्टन इज इंक्रीज्ड बाय 4, ठीक है, एंड दैट ऑफ स्मॉलर पिस्टन इज डिक्रीज बाय 4 कीपिंग द सेम मास एम ऑन द स्मॉलर पिस्टन। ओके, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हम लोग एम मास को, मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा सेटअप था, इसका एरिया ये था, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं कि ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से था, पाई डायमीटर के टर्म में, तो डी वन स्क्वायर बाय 4 ऐसे लिख लिया, और 4 इंटू 100 जी पाई डी टू का स्क्वायर बाय 4 ऊपर चला गया, ठीक है। जरा देखना डी वन हमारे पास क्या है, डी वन हमारे पास है डायमीटर ऑफ डाया ऑफ स्मॉलर पिस्टन एंड डी टू इज डाया ऑफ लार्जर पिस्टन। अब इन्होंने क्या बोला है कि मैं इस एम मास से 100 केजी संभाल रहा था जब डी वन डी टू डायमीटर थे, अगर मैं यहां पर बोला व्हेन द डायमीटर ऑफ द लार्जर पिस्टन, ठीक है, डी टू जो नया वाला है दैट इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, 4 डी टू अगर हो जाए एंड एंड दैट ऑफ स्मॉलर पिस्टन इज डिक्रीज्ड बाय, तो डी वन डैश इज इक्वल टू डी वन बाय 4 अगर हो जाए, अब आप कितना वेट उठा सकते हैं, तो उस केस में आपका क्या आएगा, न्यू केस में अगर मैं बात करूं तो वजन आपने mg ही लगाया है, तो पाई हमारे पास d1 की जगह d1 डैश का स्क्वायर बाय 4 आपका ये होता, नया फोर्स आप कितना उठाते हैं हमें नहीं पता, पाई d2 का डैश का स्क्वायर d2, ठीक है, d2 d1 डैश का स्क्वायर है, ये d2 डैश का स्क्वायर है, ठीक है। तो d1 और d2 में जो चेंजेस हुए उसके हिसाब से देखते हैं, तो ये आ गया आपका 4 mg डिवाइडेड बाय पाई, ये हो गया है d1 बाय 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू नया फोर्स जो आप उठा सकते हैं f डैश दैट विल बी पाई इनटू हमारे पास 4 d2 का स्क्वायर, यही आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली चीज 4 और 4 हमारे पास कैंसिल आउट हुआ, तो ये 16 mg डिवाइडेड बाय पाई d1 का स्क्वायर आ गया, और ये अगर आप देखें तो f डैश इज इक्वल टू अपॉन पाई इंटू 16 डी टू का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से हमारे पास आ गया, है ना। एक इक्वेशन ये बना ली जो नई केस है, और एक इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ओल्ड केस वाली, यही वाली 4 अगर मैं यहां से भी कट कर दूं तो mg बाय पाई डी वन का स्क्वायर, mg बाय पाई डी वन का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके लिए कितना है 100 जी बाय पाई डी टू का स्क्वायर, 100 जी बाय पाई डी टू का स्क्वायर, यही था। इसको उठा करके यहां रख दो तो ये आपका हो जाएगा 16 mg बाय पाई डी वन को स्क्वायर को मैं लिख देता हूं 100 जी डिवाइडेड बाय पाई डी टू का स्क्वायर इक्वल टू एफ डैश अपॉन हमारे पास 16 इंटू पाई डी टू का स्क्वायर। तो भाई अब तो क्वेश्चन हो गया हमारे पास, पाई डी टू का स्क्वायर, पाई डी टू का स्क्वायर हमारे पास गया, तो 16 इंटू 16 इंटू 1000 हमारे पास एफ डैश आएगा, है ना हमारे पास। तो इन्होंने अच्छा केजी में ही हमारे पास केजी में बताना है ना, हमें यहां पर केजी में बताना है, तो जी हम लोग हटा देते हैं क्योंकि ये न्यूटन में आएगा, तो एफ डैश या मास न्यू जो आप रख सकते हैं दैट विल बी 256 आएगा ना हमारे पास 16 इंटू 16, ठीक है 256, ठीक है इंटू 100, तो इतना केजी आप रख सकते हैं, जी हटा दीजिएगा बेटा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 25600 केजी, दैट विल बी योर आंसर। तो ये आपका पास्कल्स लॉ के ऊपर का कंसेप्ट है, थोड़ा सा इन्होंने चीजों को घुमाया है, लेकिन अगर आप पेशेंटली करेंगे तो इस क्वेश्चन को भी आप आराम से फोड़ सकते हैं। चला जाए आगे, अगला क्वेश्चन है,
जेई मेन 2021 का द प्रेशर एक्टिंग ऑन अ सबमरीन इज इतना पास्कल्स एट अ सर्टेन डेप्थ। ठीक है, मान लीजिए कि आपका ठीक है एक सबमरीन है, ठीक है यहां पर मान लेते हैं हमारे पास एक सबमरीन है, किसी डेप्थ पर जो इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, इनिशियल प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो दैट इनिशियल प्रेशर इज 3×10^5 pascals। ठीक है, एट अ सर्टेन डेप्थ, इफ द डेप्थ इज डबल्ड, हमारे पास यहां इसका कुछ डेप्थ डी था, तब इसके ऊपर प्रेशर P1 PI कह देते हैं। अगर इसका डेप्थ डबल हो जाता 2D, तो सबमरीन अगर आपकी यहां पर आ जाती तो P फाइनल कुछ होगा। ठीक है, तो लिखा है इफ द डेप्थ इज डबल द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रेशर एक्टिंग ऑन द सबमरीन वुड बी। ठीक है, अब देखो इन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कह ही दिया है तो हमें वो कंसिडर करना है, डेंसिटी इज इतना, तो जरा ये देखना परसेंटेज चेंज की बात करनी है। ठीक है, तो अब आपका कंसेप्ट क्या है सर, इसमें कंसेप्ट आपका सिंपल है कि हमारे पास प्रेशर इन द लिक्विड विल बी, इन दिस केस विल बी एच रो जी। याद रखना एक्सेलरेटेड फ्रेम में भी आपको प्रेशर लिखना सिखाया गया होगा। एच क्या होता है, ठीक है अगर इस केस में बात करें तो वर्टिकल लेंथ फ्रॉम फ्री सरफेस ये होता है सर। इसका मतलब भाई देखो, इसके ऊपर ये आपका सरफेस है लिक्विड का, इससे ऊपर एयर है, इससे नीचे आपका लिक्विड है, दिस इज अ फ्री सरफेस। ठीक है, इधर से आप कितना नीचे जाते हैं, दैट इज एच, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड जी इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में जाते थे तो रिकॉल करना है, अगर आप ए के अलोंग चलते थे तो ए के अलोंग कितना लेंथ चल रहे हैं वो आप यहां रखते थे। ठीक है, अब आपको ये चीज रिकॉल करनी है, तो जरा देखना इनिशियल प्रेशर की बात करूं तो क्या ये PATM प्लस डी रो जी की वैल्यू होगी 3×10^5 pascals, है ना। तो PATM इज 1×10^5 pascal, 1×10^5 प्लस डी रो जी इज इक्वल टू 3×10^5 बेटा, तो मेरे पास डी रो जी कितना आ गया, दैट इज 2×10^5 pascals, ये आ गया हमारे पास वैल्यू। अगर मैं ट्वाइस दी डेप्थ में चला जाऊं, सरफेस से ट्वाइस दी डेप्थ पर चला जाऊं, तो फाइनल प्रेशर आपका कितना होता, दैट विल बी PATM प्लस 2D ρ × g, ये होता है इस बार PATM है 1×10^5 प्लस 2×ρg आपका आया 2×10^5 2×10^5, तो ये आपका आ जाएगा 5×10^5 pascals, ये फाइनल प्रेशर आ गया। अगर आपको परसेंटेज चेंज की बात करनी थी तो बेसिकली P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइड बाय P इनिशियल आपको करना है, तो ये कितना आएगा 5×10^5 माइनस इनिशियल था 3 ना, ठीक है तो 3×10^5 डिवाइडेड बाय, अगर मैं बात करूं P इनिशियल दैट वाज 3×10^5, तो ये आपका हो जाएगा 2/3 और 100 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। ठीक है, तो 200/3 हमारे पास परसेंट आएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर, क्लियर। तो बेसिक कंसेप्ट है आपका, ठीक है, जिन बच्चों को एक्सेलरेटेड फ्रेम में प्रेशर लिखना नहीं आता है प्लीज रिकॉल करिएगा, ये एच क्या होती है, वो लेंथ होती है जो आप एक्सेलरेशन के अलोंग चल रहे होते हैं। अगर आप नीचे जा रहे हैं तो एच लेंथ वो है जो एक्सेलरेशन जी के अलोंग है, अगर आप हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं सूडो वाले में, चलो मैं आपको रिकॉल करा ही देता हूं बेटा क्योंकि ऐसा भी केस आ सकता है। ठीक है, जैसे मान लो आप एक्सेलरेटेड फ्रेम की बात कर रहे थे, ठीक है मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर ए एक्सेलरेशन ऐसे है, जी इधर है, अगर कोई बोले इस पॉइंट पर प्रेशर बता दो, ये लेंथ है L1, ठीक है, और मैं इस पॉइंट पर ऐसे लेता हूं सो दैट आप डिफरेंस समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक पॉइंट ये है, ये है L1, चलिए इधर प्रेशर बता दो, तो अगर आप इस फ्रेम में जाएंगे तो इस फ्रेम में सूडो एक्सेलरेशन A है, नीचे की एक्सेलरेशन G है, इधर आपका PATM है, तो अगर आपको यहां का प्रेशर चाहिए कि यहां पे प्रेशर कितना होगा तो आप क्या लिखेंगे PATM। अब आप नीचे जा रहे हैं तो ग्रेविटी के अलोंग चल रहे हैं, तो यही वाला लेंथ आपकी ग्रेविटी के अलोंग है, तो L1 ρg यही आपका प्रेशर होगा,
यही आपका प्रेशर होगा। कोई इस डायरेक्शन में चले, जैसे समझना ये यहां से लेंथ है आपका बी, सपोज कोई बोले कि यहां पे आपको प्रेशर पता है पी एटीएम है, तो अब आप इस लेंथ के अलॉन्ग चल रहे हैं, तो इसके अलॉन्ग आपका यही प्रेशर पी एटीएम की अगर मैं बात करूं, पी एटीएम प्लस, क्योंकि आप एक्सेलरेशन के अलॉन्ग जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका बी प्लस बी रो एक्सेलरेशन के अलॉन्ग ये। तो सर ये दोनों पॉइंट तो सेम है, अलग अलग आएगा क्या ये रिजल्ट? नहीं बेटा, आपको यहां पर लग रहा है वैल्यू एल और जी और बी और ए, जब आप बेसिक तरीके से करते हैं तो जब आप प्रूफ करते हैं तो ये दोनों वैल्यू सेम आती हैं। कहने का मतलब मैंने क्या बोला था, एच रो जी में एच क्या है, सिर्फ बच्चे रट लेते हैं, हाइट होती है सर। पहली बात आपके लिए फ्री सरफेस ये है, पहली बात आपके लिए फ्री सरफेस ये है, ठीक है। ये जो एच रो जी आप पढ़ते हैं ये लेंथ होती है जिस एक्सेलरेशन के अलोंग आप जा रहे हैं, क्योंकि आप ग्रेविटी के अलोंग जा रहे हैं तो आप L1 ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस लाइन के अलोंग जा रहे हैं, एक्सेलरेशन ए के अलोंग जा रहे हैं, तो आप बी ले रहे हैं, क्लियर। वैल्यू दोनों की सेम ही आएगी, तो आपको इसमें घबराने वाली बात नहीं होती है। तो ये आपका कंसेप्ट है, ठीक है, कंसेप्ट है ये प्रेशर इन एक्सेलरेटेड फ्रेम, प्रेशर इन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स। सर आप इसमें प्लस क्यों कर रहे हो ये भी याद रखना, अगर आप यहां पे माइनस कब लगाते हैं, इफ वी मूव पैरेलल टू एक्सेलरेशन, देखो आप एक्सेलरेशन के अलोंग जा रहे हो तो हायर प्रेशर साइड जा रहे हो तो प्लस यूज करते हैं। इफ वी मूव अगेंस्ट एक्सेलरेशन तो आप नेगेटिव यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा, तो यहां पर आप माइनस यूज कर लेंगे, ठीक है। चला जाए आगे, अगला क्वेश्चन, व्हेन टू सोप बबल्स ऑफ रेडियस ए एंड बी कोइलीज के क्वेश्चन आपके कई बार आए हुए हैं, ठीक है भाई। सरफेस टेंशन को छोड़ के मत जाना, बर्नौलीज को छोड़ के मत जाना, मैं लिटरली बता रहा हूं, सरफेस टेंशन से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। मतलब हर टॉपिक जो क्लास में पढ़ाया जाता है उस पे क्वेश्चन है। व्हेन टू सोप बबल्स ऑफ रेडियस ए एंड बी, ठीक है, कोइलीज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस। अब इन्होंने कोइलीज मतलब होता है मिलना, कोइलीज का मतलब है बेसिकली मिल जाना। अब इन्होंने कॉमन सरफेस की बात करी है, तो ये चीज ध्यान रखना, आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि नॉर्मली आपका जो बबल होता है वो एक्चुअली में स्फेरिकल ही होता है, ठीक है। और अगर आपका एक और दूसरा बबल है, अच्छा ये बताओ, ये एक बबल है ए और एक बबल है बी, ठीक है, एक बबल है ए और एक बबल है बी, इनमें से किसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा? कई बच्चे कहते हैं सर ये बड़ा बबल है ना, इसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा। अरे भाई इनसाइड प्रेशर, याद रखना कंसेप्ट आपका क्या है, सिंपल सी बात, ठीक है। कंसेप्ट आपका यह है कि जो आपका एक्सेस प्रेशर होता है एक बबल के अंदर, दैट इज 4T/R, R इज द रेडियस, ठीक है। और एक्सेस प्रेशर मींस पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, दैट इज इक्वल टू 4T/R। पी आउटसाइड तो दोनों के लिए पी एटीएम है, बाहर वाला तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर आप देखें तो पी इनसाइड होता है पी आउटसाइड जो भी है प्लस 4T/R, 4T/R और जुड़ जाता है, यही आपका कंसेप्ट होता है। जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका ये वाला टर्म कम हो जाएगा, ध्यान से देखना, जिसका ये वाला रेडियस ज्यादा होगा तो ये वाला टर्म पूरा कम हो जाएगा, तो ये कम हो जाएगा। मींस इसके अंदर का अगर आप बात करें प्रेशर इन बी एंड प्रेशर इनसाइड ए, तो प्रेशर इनसाइड ए इज मोर देन प्रेशर इनसाइड बी। आपको इसी लॉजिक के हिसाब से ही शायद ये वाला कंसेप्ट भी आपको शायद कराया गया हो कि एक ट्यूब के साथ आपने एक छोटा बैलून लगा रखा है, एक बड़ा बैलून लगा रखा है, यहां पर स्टॉपवॉच है, स्टॉपवॉच कह रहा हूं, एक स्टॉपर है। जैसे आप इस स्टॉपर को मूव करेंगे तो हवा कहां से कहां जाएगी, किसका रेडियस बढ़ेगा किसका रेडियस घटेगा, सेम यही कंसेप्ट के ऊपर है। जिसका रेडियस ज्यादा है इसके अंदर प्रेशर कम है, इसका प्रेशर ज्यादा है तो हवा यहां से यहां मूव करती है। जनरली बच्चे को लगता है सर ये बड़ा है तो प्रेशर यहां से आएगा और हवा इधर चली जाएगी, और ये तब तक जाएगी जब तक दोनों का रेडियस सेम नहीं हो जाता। नहीं बेटा, इसका रेडियस हमारे पास कम होता चला जाएगा, इसका रेडियस हमारे पास बढ़ता चला जाएगा, और ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया भी हुआ है। अब जरा देखना कॉमन रेडियस ऑफ द कॉमन सरफेस क्या है। आपने कई बार वॉशिंग मशीन में या फिर झाग बनाया होगा, और आपने बुलबुलों को अगर आपने देखा हो, जब भी दो बबल्स इन कॉन्टैक्ट होते हैं, बबल्स इन कॉन्टैक्ट,
तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बबल कॉन्टेक्ट में आते हैं। कुछ इस प्रकार से बबल कॉन्टेक्ट में हमारे पास आते हैं। अगर ध्यान से देखा, और यह भी आपने नोटिस करा होगा, अगर दोनों बबल का रेडियस सेम है, दोनों का डायमेंशन सेम है, तो आपने नोटिस करा होगा कि यह जो इंटरफेसिंग सरफेस है, ठीक है, यह एक स्ट्रेट लाइन आता है। यह आपका जो सरफेस है, यह आपका स्ट्रेट लाइन आता है। रीजन बीइंग, क्योंकि लॉजिकली जरा देखना, इसके इनसाइड का जो प्रेशर है और इसके इनसाइड का प्रेशर, अगर दोनों का रेडियस r और r है तो दोनों का प्रेशर सेम है, और दोनों का अगर प्रेशर सेम है तो दोनों साइड से प्रेशर सेम रहेगा, रेडियस आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, है ना। अगर एक साइड से ज्यादा प्रेशर होता तभी तो बेंड करेगा। यार आपने कभी गुब्बारा फुलाया हो, गुब्बारा फट जाने के बाद तब भी आपने क्या करा, मुंह पे रख के अंदर सांस खींची होगी, तो यहां अंदर मुंह के अंदर प्रेशर आपने कम कर लिया, प्रेशर आपने कम कर लिया तो ये बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको दबा देता है, तो अंदर की साइड कर्व हो जाता है। जब आप अपने लंग से प्रेशर देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा देते हैं, तो आप जैसे ही ब्लो करते हैं तो ये बाहर की साइड फूल जाता है ना। तो जिस साइड से ज्यादा प्रेशर होगा उसी साइड से वो बेंड कर जाएगा। छोटे वाले बबल में अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये कर्वेचर आपका कुछ हमेशा ऐसा आपको मिला होगा। क्यों? क्योंकि छोटे वाले बैलून में जो आपका, ये बैलून कह रहा हूं, जो छोटे वाले बबल में जो आपका प्रेशर है वो एग्जैक्टली हमारे पास इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है ना। तो मान लीजिए कि प्रेशर ऑफ ए इनसाइड जो यहां है और प्रेशर ऑफ बी इनसाइड जो यहां है, इन दोनों के प्रेशर के डिफरेंस की वजह से एक हाइपोथेटिकल जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, हमें ये चाहिए। इस बैलून का रेडियस आपको क्या दे रखा है बेटा, ठीक है, ऑफ रेडियस ए एंड बी, बी इज ग्रेटर देन ए, तो इसका रेडियस है आपका ए और इसका रेडियस है आपका बी। तो प्रेशर अगर आप यहां पर बात करें तो पी ए डैश, ठीक है, या इनसाइड माइनस पी, पी ए इनसाइड माइनस पी बी इनसाइड इज इक्वल टू, हम लोग यहां पे मान लेते एक और बबल है जिसका रेडियस और कर्वेचर 40 आर इक्विवेलेंट हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, ये एक इक्विवेलेंट सरफेस हम लोग मानते हैं, एक इक्विवेलेंट सरफेस आप यहां पर बेसिकली मानते हैं। तो यहां पर आपका कितना आएगा, 4t, PATM दोनों साइड से कट जाएगा, 4t बाय ए माइनस 4t बाय बी इक्वल टू 4t बाय आर इक्विवेलेंट, 4t कट जाएगा तो b माइनस ए डिवाइड बाय ए बी इज 1/r इक्विवेलेंट आएगा। और अगर आप r इक्विवेलेंट की बात करेंगे, ये फॉर्मूला याद रखना है, r इक्विवेलेंट विल बी ए बी अपॉन बी माइनस ए। अब याद करिए इस कंसेप्ट को, जब दोनों का रेडियस सेम हो जाएगा तो रेडियस इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट रेडियस किसका होता है, स्ट्रेट पाथ का या स्ट्रेट लाइन का होता है बेटा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आएगा ए बी अपॉन बी माइनस ए, कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो प्लीज आप इसको जाने मत देना क्वेश्चन को, ठीक है, चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, कंसीडर अ वाटर टैंक एज शोन इन द फिगर, इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 0.4 मीटर स्क्वायर, है ना, इसका जो एरिया है दैट इज 0.4 मीटर का स्क्वायर है। द टैंक हैज एन ओपनिंग बी नियर द बॉटम, ठीक है, हमारे पास बॉटम में हमारे पास एक ओपनिंग है, हुज क्रॉस सेक्शन एरिया ए बी की अगर मैं बात करूं तो 1 cm square। ज्यादा ध्यान से देखो, ये एरिया बहुत ही ज्यादा हमारे पास छोटा है, ठीक है, टॉरिसली थ्योरम का कंसेप्ट है। और ये वाला क्वेश्चन आई थिंक, ठीक है, एक लेट मी सी आपको और भी मिलेगा, ये लो, आई थिंक 2 या 3 बार आ चुका है टॉरिसली थ्योरम, ठीक है। यहां पर आपका जो वेट है 24 kg का दिया है, यहां पर आपका 25 kg का दिया है, ये आपको मैं होमवर्क दूंगा, आप इसको ट्राई करेंगे, आई थिंक एक और बार भी आया है, लेट मी चेक, ठीक है, हाँ ठीक है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है, आप रीड कर लेना, बिल्कुल सेम है। अब इसके कंसेप्ट जब आपको टॉरिसली थ्योरम पढ़ाई जाती है उसके बारे में,
ठीक है, तो तीन बार आ चुका है और ये पहले भी आ चुका है, ठीक है, तो आपको ध्यान से करना है। इसका एक और मॉडिफिकेशन भी आपको मैं बताऊंगा, वो भी आपको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। चलिए, कंसीडर अ वाटर टैंक एज शोन इन द फिगर, हमारे पास है, ठीक है। इफ द एरिया, इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 0.4 मीटर स्क्वायर, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहां पर दैट इज 0.4 मीटर स्क्वायर और नीचे वाले का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बहुत छोटा एरिया है, ठीक है। द टैंक हैज एन ओपनिंग बी नियर द बॉटम, द लोड ऑफ 24 केजी इज अप्लाइड ऑन द वॉटर, आपने 24 केजी रख दिया तो ऑब्वियस ही बात है यहां पर आपने प्रेशर और लगा दिया है, ठीक है, आपने यहां पे प्रेशर और लगा दिया। व्हेन द हाइट ऑफ द वॉटर इज 40 सेंटीमीटर, जब यहां पर आपका पानी का जो हाइट है दैट इज 40 सेंटीमीटर अबव द बॉटम, द वेलोसिटी ऑफ द वॉटर कमिंग आउट फ्रॉम द ओपनिंग बी इज वी मीटर पर सेकेंड, द वैल्यू ऑफ वी इज नियरेस्ट टू। अब जरा देखो, इन्होंने कहा है कि हम लोगों ने पिस्टन पे कहीं ना कहीं फोर्स लगा दिया है, ठीक है, फोर्स कितना होगा इसका, वजन 240 जी के बराबर, एरिया से करोगे तो प्रेशर आपका लग रहा है PATM के बाद आपका एक एडिशनल प्रेशर है, तो ये इसके बाद यहां से जो इफ्लक्स वेलोसिटी का कंसेप्ट होता है दैट इज अंडर रूट में 2GH, वो आपका नहीं लग पाएगा। अब कई बच्चे जो फॉर्मूला रट लेते हैं वो गए यहां पर, ठीक है, जो फॉर्मूला रट लेते हैं वो गए। जरा इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लार्ज टैंक इज 0.5 मीटर स्क्वायर, इट हैज अ नैरो ओपनिंग नियर द बॉटम हैविंग एन एरिया ऑफ उतना, अ लोड वैल्यू चेंज कर दिया, 25 केजी अप्लाइड ऑन द वॉटर एट द टॉप, निगलेक्टिंग द स्पीड ऑफ द वॉटर इन द टैंक, द वेलोसिटी ऑफ द वॉटर कमिंग आउट, वही हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कंसीडर अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 1 मीटर इज फिल्ड विद द वॉटर, मींस अब आपको रेडियस दे दिया है तो एरिया आप निकाल सकते हैं पाई इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है। द टॉप सरफेस ऑफ द वॉटर इज एट 15 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सिलेंडर, देर इज अ होल ऑन द वॉल ऑफ द सिलेंडर एट द हाइट ऑफ 5 मीटर, आपका यहां पर 5 मीटर पे आपका होल है, कंसेप्ट सेम ही है, ऊपर वाली हाइट मैटर करती है, ठीक है। अ फोर्स ऑफ इतना न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द वॉटर यूजिंग अ पिस्टन, द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स हमें बेसिकली बतानी है, कंसेप्ट आपका सेम ही है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर आपको जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर मॉडिफिकेशंस क्या है वो बताऊंगा, तीनों क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, ठीक है। आइए कंसेप्ट को हिट करते हैं। अब कंसेप्ट है आपका टॉरिसली थ्योरम, ठीक है, कंसेप्ट है आपका टॉरिसली थ्योरम, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स के बारे में आपने देखा होगा, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, ध्यान से सुन लेना बेटा। देखो मैं हर टॉपिक का मेजॉरिटी में क्वेश्चन लेके आया हूं जिनको हमें टच कर लेना चाहिए, ठीक है, बीट सरफेस टेंशन विस्कोसिटी जो भी है हमें टच करना चाहिए। अब जरा देखो हमने क्या पढ़ा है, केस वन, ठीक है, अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपको यहां पर चीजें समझ आएंगी। मान लीजिए आपका एक, आपने कंटेनर पर हाइट एच है, ठीक है, और यहां पर आपका PATM है, ठीक है, और इसका एरिया A1 है, यहां पर आपने एक छोटा सा एरिया A2 डाल दिया है, तो इसमें से पानी बाहर निकलेगा, दिस इज कॉल्ड इफ्लक्स वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड इफ्लक्स वेलोसिटी, ठीक है। अब हमें यह निकालनी होती है इफ्लक्स वेलोसिटी, हम लोग अपने जो फॉर्मूला करते हैं रूट 2GH का, उसमें क्या कहते हैं, हमारा पहला केस होता है A1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A2, इसके एरिया से ज्यादा होता है, तो ऑब्वियस ही बात है आपके छत के ऊपर जो टंकी है उसका एरिया ज्यादा है। अगर मैं उसके नीचे पिन होल कर दूं तो क्या जैसे आप होल करेंगे पानी खड़ाक से नीचे गिर जाएगा, नहीं ना, तो एक्चुअली में जब आप एरिया ज्यादा लेते हैं तो यहां पर A1 V1 जो इसकी वेलोसिटी है और जो आपकी V2 इधर की वेलोसिटी है, आपका A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होता है, और आपको ये पता है एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है बेटा, है ना, जहां पर एरिया ज्यादा होगा तो वहां की वेलोसिटी बहुत कम होगी। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि पानी के जितने भी ये वाले पार्टिकल्स हैं, पहले केस में हम लोग ये मान लेते हैं पानी के ये वाले पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली रेस्ट पर है, लेकिन ये वाले पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं। सर ऐसा कैसे हो सकता है हाइपोथेटिकली, क्योंकि हम लोग ये मान रहे कि एरिया बहुत ज्यादा है तो हम उस मोमेंटली उसको रेस्ट पर मान सकते हैं। तो अगर आप यहां पर इक्वेशन लगाते हैं बर्नौलीज की, तो यह आता पी प्लस हाफ रो वी का स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता। तो हम लोग इन पानी के पार्टिकल्स और यहां से जो पानी के पार्टिकल्स निकल रहे इन दोनों के बीच में बर्नौलीज लगा देते हैं। यहां पर प्रेशर आपका है PATM, ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने अपने कंसेप्ट को ध्यान से समझ लिया तो जो भी मॉडिफिकेशन जेई करवा रहा है वो आप समझ पाएंगे, ठीक है। यहां पे प्रेशर क्या है PATM, जो आपका वाला क्वेश्चन है PATM प्लस जो आपने फोर्स बाय एरिया करा वो और आ जाएगा यहां पर, ठीक है। हाफ रो
v1 का स्क्वायर, ये तो हट गया भाई हमारे पास क्योंकि वेलोसिटी v1 तो हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं, प्लस रो gh इसकी हाइट, और दूसरे साइड पे यहां पर भी आपका प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है इनके ऊपर, प्लस हमारे पास हाफ रो v2 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, रेफरेंस डिपेंडेंट होती है तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी इधर ही जीरो ले ली, तो ये हमारे पास हो गया। अगर आप ध्यान से देखें इसीलिए आपका ये कट जाता था, तो रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो v2 का स्क्वायर, और v2 आपका आता था अंडर रूट में √2gh इफ्लक्स वेलोसिटी, है ना। अब जरा देखना दूसरा इंपॉर्टेंट केस, इसी में आपको मैं बता रहा हूं जेई में ये भी क्वेश्चन आया कि अगर आपके लिए, मैं उसमें ले चलता हूं ठीक है, केस टू। अगर मान लो कि मेरा ये कंटेनर है, ऊपर आपकी डेंसिटी रो वन है, नीचे रो टू है, अब केस अभी भी वही है, ए वन है, यहां आपने होल बना दिया है, ए टू है, ए वन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए टू है, अब बता दो इफ्लक्स वेलोसिटी कितनी होगी। अब जी ने ऐसा क्वेश्चन भी दिया है कि वहां पे डेंसिटी वेरी करा दी, तो आप किनके लिए बर्नौलीज लगाएंगे, इसके लिए आप लगा तो इनके इन पार्टिकल और इन पार्टिकल पे भी ले सकते, तो प्रेशर आप ले लेना, गलत नहीं आता क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है, तो ये वाली वेलोसिटी मैं v1 टेंड्स टू जीरो कह दूंगा, तो इन पार्टिकल्स और इन पार्टिकल्स के लिए, पानी के पार्टिकल्स का लगाते हैं, तो यहां पर होगा आपका PATM प्लस हाफ रो v1 का स्क्वायर जो जीरो हो जाएगा, प्लस रो जी, अब देखो रो किसका, ये पार्टिकल डेंसिटी है रो वन जी एच, या मान लो ये हाइट h1 और ये हाइट h2, ठीक है, तो h1 प्लस h2 इक्वल टू यहां पर PATM प्लस हाफ रो v2 का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे ले लीजिए आप यहां पर जीरो, क्लियर। अगर आप यहां पर इसको सॉल्व करते हैं तो आपका ये आएगा rho1g h1 plus h2 डिवाइडेड बाय ये लिक्विड जो बाहर निकल रहा है, वो इसकी डेंसिटी का निकल रहा है भाई, rho2 का, तो यहां rho2 होगा ठीक है, बाय rho2 का रूट इस इफ्लक्स वेलोसिटी, क्लियर। अगर आप रोवन और रोटू को बराबर करोगे एक ही लिक्विड हो जाएगा, और H1 प्लस H2 को कैपिटल H रखोगे तो यही आंसर आ जाएगा। कैसे, अगर आप रोवन और रोटू सेम कर दोगे, दोनों का डेंसिटी सेम है तो ये कट गया, और H1 प्लस H2 की अगर आप बात करें तो ये आपका H हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 2GH रूट में आ जाएगा, वही केस, तो ये और भी जनरलाइज हो गया। आइए केस 3 की बात करते हैं। अब केस 3 हमारे पास सर, अब ऐसा है कि A1 और A2 की अगर मैं बात करूं ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, A1 विच वॉज वेरी वेरी ग्रेटर देन A2 जो आपने पढ़ा है वो वैसा नहीं है, तब क्या करेंगे सर, तब क्या करेंगे। तो मैंने कहा भाई कुछ नहीं घबराना है, बेसिक ये जो पानी के पार्टिकल है, अब इनकी स्पीड को आप निग्लेक्ट नहीं करेंगे, V1 इधर है, V2 इधर है ठीक है, तो यहां पर आपके लिए PATM होएगा प्लस हाफ रो v1 का स्क्वायर होगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मान लीजिए ये आपका सरफेस है तो ये आपकी हाइट h थी ठीक है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच होगा, यहां पर आपका PATM होगा बेटा प्लस हाफ रो v2 का स्क्वायर होगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे जीरो ठीक है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास गया, और अगर आप देखें तो हाफ रो v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर प्लस रो जी एच का रूट, दिस विल बी इफ्लक्स वेलोसिटी, दिस विल बी योर इफ्लक्स वेलोसिटी, है ना, यही आ रहा है ना हमारे पास, हाफ रो v1 का स्क्वायर माइनस हाफ रो v2 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 2gh, यही आएगा, नहीं हमें तो यही निकालना था ना, तो हमारे पास आएगा हाफ रो v1 का स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो इफ्लक्स वेलोसिटी का स्क्वायर, तो रो 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 उड़ा देते हैं, रो 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 और टू गया, यहां टू लिख देते हैं, तो v1 का स्क्वायर प्लस 2gh का रूट, दैट इज इफ्लक्स वेलोसिटी।
इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप फ्लोइंग फ्लूइड में काइनेमेटिक्स की, मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, क्योंकि आप देखें एच हाइट पर से, रेस्ट पर से छोड़ूंगा तो एच हाइट जाने के बाद रूट टू जी एच बनता था, वही फॉर्मूला है। और यहां पे इनिशियल वेलोसिटी वी वन मान ले, ग्रेविटी में आपका सारा चीज हो रहा है तो यह बनेगा। अगर आप वी वन को टेंड्स टू जीरो कर दें, इस केस में वी वन टेंड्स टू जीरो, जब आप कह दें ए वन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए टू है, ठीक है, तो आपके उस केस में इफ्लक्स वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ टू जी एच, जो आपने पढ़ी हुई है ना सर। अगर मान लो हमें ये नहीं दे रखा कि वी वन है क्या, तो कैसे करेंगे, तो भाई आपका ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू होगा ना रे, हाँ या ना, तो वी वन आपका होगा ए टू वी टू डिवाइडेड बाय ए वन, उठा करके यहां पर डालेंगे, उठा करके यहां पर डालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, क्लियर। अगला केस, केस फोर, सर हमारे पास यहां पर हम लोगों ने एडिशनल प्रेशर लगा दिया है, एडिशनल पीएटीएम तो था ही, पीएटीएम तो था ही, आपने एडिशनल प्रेशर और लगा दिया है इस लिक्विड के पार्टिकल्स पर, और एरिया भी आप ज्यादा मान रहे हैं। अगर एरिया नहीं होगा तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी इंक्लूड हो जाती है। तो ये ए वन है, यहां पर आपका वी इफ्लक्स है, ए टू है, आप कह रहे हैं ए वन इज ग्रेटर देन ए टू है, तो ऑब्वियस ही बात है वी वन विल बी वेरी लेस देन वी टू, ये वी टू लिख लेते हैं इसको, ठीक है, तो वी वन आप जीरो की तरफ टेंड करा दीजिए, तो लगा दीजिए भाई दोनों के बीच में, तो यहां पर आपका प्रेशर होगा पी ए टी एम प्लस पी एडिशनल, ठीक है, प्रेशर हो गया हाफ रो वी वन का स्क्वायर हो गया प्लस रो जी एच हो गया, ये आपकी हाइट क्या ले ली हम लोगों ने, एच ले ली, ठीक है, इक्वल टू यहां पर आपका है पी एटीएम प्लस हमारे पास हाफ रो वी टू का स्क्वायर प्लस जीरो, हो तो गया क्वेश्चन, तो पी एटीएम गया, पी एडिशनल आप लिख सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ए वन, ये प्रेशर आपने लगाया, हाफ रो वी वन, आप यहां पे एरिया ज्यादा मान रहे हैं तो इसको जीरो कर लीजिएगा। सर अगर एरिया ज्यादा नहीं हुआ तो ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू, तो यहां से आपको इफ्लक्स वेलोसिटी को सॉल्व करना पड़ेगा, रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो वी टू का स्क्वायर इफ्लक्स वेलोसिटी, आप यहां से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन बहुत किए जा सकते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन है और इसके ऊपर आपका ये दोनों होमवर्क हो जाएंगे, प्लीज ट्राई करना बेटा, दो तीन बार क्वेश्चन घुमा है और मैंने आपको काफी सारे केसेस बता दिए, इसमें अभी और भी केसेस होते हैं जो क्लास में बताए जाते हैं, और भी केसेस होते हैं जो क्लास में बताए जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको इतने जरूर रिकॉल करने हैं। चला जाए आगे, टू स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्कुरी ईच ऑफ रेडियस आर कोइलीज, देखो कोइलीज फिर से आया, कोइलीज मतलब मिल गए हैं इस बार, ठीक है, हमारे पास दो ड्रॉप है मर्कुरी की, ठीक है, जिनका रेडियस है आर, रेडियस है आर, और ये कोइलीज होके ऑब्वियस है एक बड़ी ड्रॉप बनाएंगे, रेडियस कुछ बच्चे कहेंगे टू आर हो जाएगा, वाह वाह रे वाह, ठीक है, कोइलीज टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, ठीक है, द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द चेंज इज, ठीक है, सरफेस एनर्जी की अगर आप बात करें, ठीक है, कंसेप्ट आपका क्या है, कंसेप्ट आपका जो सरफेस एनर्जी, अगर आपको SE या फिर सरफेस एनर्जी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सरफेस एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो T सरफेस टेंशन इंटू एरिया आप करते हैं, ठीक है, क्लियर। जरा देखना, अगर मैं यहां पर बात करूं पहले वाले केस में, तो इसकी सरफेस एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, पहले वाले की T इंटू इसका एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया बोल लीजिए, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस हमारे पास इनिशियल की बात कर रहा हूं, इसका सरफेस टेंशन टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर इंटू टी सरफेस एनर्जी इनिशियल आपका आ गया। अब जैसे ये मर्ज करेंगे तो इसका नया रेडियस क्या होगा, पहले ये तो निकालिए भाई, ये किस प्रकार से निकालेंगे, वॉल्यूम को कंजर्व कर दीजिए, 4 बाय 3 पाई आर क्यूब का ट्वाइस अगर आप करेंगे, क्योंकि दो बबल थे, एक नया हमारे पास बबल कह रहा हूं, एक नया ड्रॉप बनेगा, ऐसे बनेगा, अगर आप इसको कट कर देंगे तो हमारे पास, ठीक है, 2 की पावर 1 बाय 3 आर इज इक्वल टू आर न्यू,
ये ऐसा आ जाएगा। तो इसका सरफेस एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा बेटा, सरफेस एनर्जी अगर आप फाइनल की बात करें, भाई देखो मरकुरी की दो बूंदे मिलेंगी तो बेटा सोना तो बनेगा नहीं ठीक है, मरकुरी की ड्रॉप रहेगी तो सरफेस टेंशन उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो ये हो जाएगा 4 पाई इसका आर न्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई t इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे 2 की पावर 2/3 आर ऐसा आ जाएगा, है ना, हमारे पास यही आएगा ना। तो अब इन्होंने क्या कहा, द रेशियो ऑफ द सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द चेंज, ठीक है। तो अच्छा इसका ये आर स्क्वायर और आएगा, हमें रेशियो बताना है, लेकिन यहां पे ऑप्शन में 2/3 का कुछ पंगा आ रहा है क्या, देख लेते हैं। हमारे पास 2 2 2 ये 8, अच्छा नहीं ये हाँ 8 भी तो है, ठीक है चलिए आइए। तो अब हमारे पास सरफेस एनर्जी फाइनल बाय इनिशियल है या इनिशियल बाय फाइनल है, द रेशियो ऑफ द सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर, तो इनिशियल बाय सरफेस एनर्जी फाइनल है। तो अगर आप देखें तो 2 into मैं ऐसे देखूं तो 4 pi r square into t ये था आपका, है ना, ये था ना 2 into 4 pi r square t, और यहां पर है हमारे पास 4 pi r square t 2 की पावर 2/3 into 4 pi r square into t, ये काट दीजिए तो याद आएगा 2 into 1 minus 2/3 तो 2 की पावर 1/3 is to 1, ये आपका आंसर आएगा। तो दैट विल बी सी ऑप्शन, दैट विल बी योर आंसर, क्लियर। चला जाए आगे, अगला क्वेश्चन है, 2 spherical soap bubbles of radius r1 and r2 in vacuum combined under isothermal condition, ये भी आपके क्लास के नोट्स का क्वेश्चन है भाई, ये भी आपके क्लास नोट्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास दो बबल्स हैं, सोप के बबल्स, तो इसके अंदर एयर होगी ना, सोना तो मिलेगा नहीं, ठीक है। एक बबल ये है ऑफ रेडियस r1 मान लेते हैं, और दूसरा बबल हमारे पास ये है जिसके अंदर हमारे पास एयर है ऑफ रेडियस r2, ठीक है। इन वैक्यूम हमारे पास है, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर आउटसाइड प्रेशर आपने ले, कंबाइन अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द रिजल्टिंग बबल हैज रेडियस इक्वल टू, ये जब दोनों कोइलीज कर रहे हैं तो एक नया बबल बना रहे हैं, तो इसके अंदर की हमारे पास गैस है भाई, गैस तो वही रहेगी। अब ये वाली गैस के लिए आइसोथर्मल है हमारे पास, क्योंकि सरफेस एनर्जी हमारे पास चेंज होगी तो कहीं गैस के पास ना चली जाए, इन्होंने वर्ड बोल दिया आइसोथर्मल है, ठीक है। तो आइसोथर्मल में अगर आप ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास अगर आप देखें तो मान लो कि इस वाले में नंबर ऑफ मोल्स N1 है, N2 है और N टोटल है। आप P1 V1 से भी जा सकते हैं, मैं ऐसे कर दूं N1 plus N2 equal to N total, तो ये रहेगा, और PV equal to nRT है बेटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्रेशर P1 V1 by nR, वो RT टेम्परेचर, आइसोथर्मल में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बेटा, क्योंकि सरफेस एरिया चेंज होगा तो सरफेस एनर्जी कहीं गैस को ना मिल जाए और गैस का टेम्परेचर चेंज ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ये वर्ड बोल दिया है P2 V2 by RT equal to P final V final by RT। इस फॉर्मूले को भी याद रखना है बेटा, ये गया। इनसाइड प्रेशर बबल के अंदर होगा 4T/R into वॉल्यूम आपका हो गया, मैं इसको यहां लिख देता हूं, 4T/ इसका रेडियस R1 into वॉल्यूम इज 4/3 pi R1³ प्लस इस वाले के अंदर का जो प्रेशर होगा 4T/R2, सॉरी तो एक्सेस प्रेशर होता है बाहर, वैक्यूम बोल दिया, बाहर वाले को आप जीरो मान के चले, 4T/R2 into इसका वॉल्यूम क्या है 4/3 pi R2³ इक्वल टू हमारे पास इसके अंदर हो जाएगा 4T/R equivalent into 4/3 pi R equivalent³, यही आएगा हमारे पास। अगर हम लोग यहां पर काटा पीटी कर ले बेटा तो 4T 4T 4T, सर सरफेस टेंशन सेम क्यों है, अरे भैया पानी के बुलबुले दो मिलेंगे तो सोना तो मिलेगा नहीं, कितनी बार बता चुके हैं, तो सरफेस टेंशन सेम रहेगा बेटा, 4/3 pi 4/3 pi 4/3 pi हमारे पास गया, और ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया और ये स्क्वायर हो गया, है ना। तो यह आएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट का स्क्वायर, और आपने अपने नोट्स में अगर झांका, टीचर पे विश्वास किया होता तो आपको यह आंसर आपके नोट से मिल जाता, ठीक है। तो ये आपका डी ऑप्शन, दैट विल बी योर आंसर। चला जाए अगले क्वेश्चन पर। अ
अगला क्वेश्चन, अ रेनड्रॉप विद अ रेडियस ऑफ 0.2 मिलीमीटर फॉल्स फ्रॉम अ क्लाउड एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड. ठीक है, अज्यूम दैट द ड्रॉप इज स्फेरिकल थ्रू आउट इट फॉल्स एंड द फोर्स ऑफ द बोयंसी मे बी निग्लेक्टेड, देन द टर्मिनल स्पीड अटेन्ड बाय द रेनड्रॉप. अब देखो टर्मिनल स्पीड पर आई थिंक दो तीन क्वेश्चन आए हैं. ठीक है, इसको ऊपर चलो, इसको टर्मिनल स्पीड वाला पहले मैं आपको करा देता हूं. ठीक है, हाँ मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, एक क्वेश्चन करा रहा हूं. ठीक है, उसके बाद आप एक बार टर्मिनल स्पीड वाला, हाँ ग्लिसरीन, हाँ विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल, विस्कस फोर्स तो नहीं, हाँ चलो इसमें भी टर्मिनल का की कंसेप्ट आ जाएगा. ठीक है, यहीं पर हमारे पास एक ये टर्मिनल स्पीड पे भी काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो जस्ट अ मिनट. ठीक है, एक ये आया है, तीन चार क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अच्छे खासे. ठीक है, और टर्मिनल वेलोसिटी और आगे अगर आएंगे तो इनको हम लोग डालते चलेंगे. ठीक है, तीन चार क्वेश्चन आपको यहां पर टर्मिनल वेलोसिटी के मिलते हैं. ठीक है, अब कई बच्चे क्या करते हैं ना, टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट छोड़ के फॉर्मूला रट लेते हैं. अब उनको दिक्कत आनी यहां पर स्टार्ट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में कई बच्चे फॉर्मूला रटते भी बहुत तेजी से. ठीक है, उनको ये नहीं पता होता कि उसके अंदर रो क्या है, सिग्मा क्या है, आर क्या है, जी क्या है, ये सब नहीं, नहीं फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए हमें पूरा. मोटिवेशनल वीडियो देखें अभी हम. ठीक है, तो उससे उन्होंने फॉर्मूला तो रट लिया लेकिन उनके अंदर पैरामीटर क्या है नहीं पता है. क्वेश्चन में लगाने के लिए लिख के फॉर्मूला बैठ जाएंगे, आप कहेंगे ससुरा ये तो याद ही नहीं करके आए कि इसमें ये क्या है. ठीक है, तो बेटा पहले जब आप कहते हैं थ्योरी, जब आप क्वेश्चन देखो, मैं आपको क्वेश्चन उस तरीके से करा रहा हूं जिस प्रकार से मैं अपने टाइम पे रिकॉल करता, जब आप क्वेश्चन करते तो उसके पीछे की थ्योरी रिकॉल करिए, उसके पीछे क्या बताया गया था, टीचर ने आपको क्या बोला था, वो सारी चीज अगर आप रिकॉल. कुछ बच्चे क्वेश्चन आया आंसर निकाला अट्ठा आगे निकल गए, सर हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे. नहीं बढ़ेंगे बेटा, करो अपनी वही जो नौटंकी करतूते आप करते हैं. ठीक है, करते रहो उसको. अब जरा देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अ रेन ड्रॉप विद अ रेडियस ऑफ 0.2 मिलीमीटर. अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या कह रहा है, कंसेप्ट की भी हम लोग बात करेंगे. ठीक है, हमारे पास एक रेन ड्रॉप है, मान लो कि 2000 मीटर की हाइट पर से एक रेन ड्रॉप गिरना स्टार्ट होती है तो यू की वैल्यू जीरो बेटा. और पहली कुछ बच्चों को आएगा कि सर यू की वैल्यू आप जीरो क्यों ले रहे हो, क्या लें क्या लें, बारिश होती है तो बेटा जो बादल है उसका पेट थोड़ा खराब है कि वो छींटे मारेगा तेजी से, गिरता है ना वो कंडेंसेशन बोलो या जो भी बोलो, जहां पे जो वो मिट्टी के पार्टिकल होते हैं उसमें पानी की बूंदें चिपकती रहती है, बूंद बनती है वैसे, तो वो ड्रॉप होता है ना कि भाई साहब गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है. जब तुम्हें लगता भाई साहब आज बारिश बारिश हो रही है तो बादल में गुड़गुड़ हो रही है तो ओहो भाई आज तो छरेटा होने वाला, तो छरेटा वेरेटा कुछ नहीं है भाई, यहां पे यू की वैल्यू आपकी जीरो होती है. ठीक है, हाँ फॉल्स फ्रॉम, अब रेडियस कितना है हमारे पास, और दांत मत चियारो बेटा, ये आपको लग रहा है सर ऐसी क्यों बात कर रहे भाई, कई बच्चे सोचते यू की वैल्यू जीरो क्यों ली. ठीक है, अबव द ग्राउंड अज्यूम दैट द ड्रॉप इज स्फेरिकल थ्रू आउट इट्स फॉल एंड द फोर्स ऑफ द बोयंसी मे बी निग्लेक्टेड. अब आप बोयंट फोर्स को कंसिडर नहीं कर रहे, सर बोयंट फोर्स होगी क्यों, पानी में थोड़ा गिर रहा. अरे भैया एयर भी आपकी फ्लूड है, एयर भी आप पे बोयंसी लगाती है, जो गुब्बारा लेके आते हैं जो हवा में उड़ जाता है ऊपर वाला, उसको कौन लगा रहा बोयंट फोर्स, हवा ही तो लगा रही है ना आसपास की, तो वो भी होता है लेकिन निग्लेक्ट करने की बात हो रही है यहां पर. ठीक है, तो हमारे पास मे बी निग्लेक्टेड देन द टर्मिनल स्पीड अटेन बाय द रेन ड्रॉप. जरा ध्यान समझना कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, आप सारे बच्चे याद करो. ठीक है, कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी जाता है, ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी आपको यहां मिलेगा. अगर आप एक फ्रेम की अगर आप बात करें, इस रॉड को अगर आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के खींचना स्टार्ट करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ती रहती है और जेई में आया हुआ क्वेश्चन है वेलोसिटी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करके एक टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करता है जब आपका एक्सटर्नल फोर्स अंदर वाले बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर से मैच कर जाता है तो यह वेलोसिटी आपकी टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती थी. यही सेम कंसेप्ट यहां पर लगता है, समझना आपको यहां पर पड़ेगा पहले. ठीक है, अब सर हमें तो टर्मिनल वेलोसिटी ईएमआई में समझ नहीं आता, क्यों, क्योंकि उसका जब फ्लूइड में पढ़ा जा रहा था तब आप दिमाग नहीं बकैती कर रहे थे, कंसेप्ट वहां से आया. कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी होती है कि ऐसी कांस्टेंट वेलोसिटी जिससे वो चलेगा. ठीक है,
याद रखना टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट है नेट एक्सटर्नल फोर्स आपको जीरो करना है। जब ये फ्लूड में जा रहा होगा, जिस समय ये नीचे जा रहा होगा, तो इसका ऊपर एक वेट भी होगा, 4/3 πr³ × g, ये होगा इसका रो, इसका डेंसिटी ले लेते हैं रो इंटू जी, ये होगा इसका वजन। और ये वी स्पीड से अगर जा रहा होगा तो यहां पर इसके ऊपर आ रहा होगा एक विस्कस फोर्स 6 πe·rv। इस केस में याद रखना, इस केस में जैसे ये दोनों बैलेंस आउट होंगे, कई बच्चे कहते रुक जाएगा रुक जाएगा, अरे वाह 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 वाह, न्यूटन्स लॉ पढ़े काफी टाइम हो गया है तो उसको भी खराब करा जाए। अरे भाई, वी वेलोसिटी से चलते चलते नेट फोर्स जीरो हुआ है, नेट फोर्स जीरो मींस एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मींस अब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो ये स्पीड बढ़ रही है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, मान लो 100 पर नेट फोर्स जीरो हो गया, 100 पर नेट फोर्स जीरो होती है, 100 से चलता रहेगा रे, तो इस केस में आपका रहेगा 6 πe·rv आपका 4/3 πr³ × ρ × g। इन्होंने सारी चीजें दे रखी है, डेंसिटी ऑफ द एयर, एयर सब कुछ हमारे पास दे रखा है, ठीक है, बोयंट फोर्स को आपको कंसीडर नहीं करना है, ये वेलोसिटी आपकी टर्मिनल वेलोसिटी बेसिकली होगी, क्लियर। अगला जरा देखना, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फेरिकल रेनड्रॉप डिपेंड्स ऑन द रेडियस, यही वाला कंसेप्ट आ रहा है हमारे पास, आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगा आपका, ठीक है, तो ये आपको ट्राई करना है, दिस विल बी योर होमवर्क, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द स्मॉल बॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी d1, ध्यान से देखना, आपके पास एक स्मॉल बॉल है मास m और इसकी डेंसिटी कितनी है d1। व्हेन ड्रॉप्ड इन अ कंटेनर फिल्ड विद ग्लिसरीन, अब आपने इसको ग्लिसरीन के एक कंटेनर में ड्रॉप कर दिया है, ठीक है, हमारे पास बिकम कॉन्स्टेंट आफ्टर सम टाइम, मींस टर्मिनल वेलोसिटी, मीन्स टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। इफ द डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन इज d2, इसकी जो डेंसिटी है दैट इज d2, देन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज, विस्कस फोर्स मीन्स 6 πe जो आप कहते थे 6 πe·rv, यही आपका विस्कस फोर्स लग रहा होता है। भाई देखो, टर्मिनल वेलोसिटी अगर आपकी अटेंड हुई, ध्यान से देखना बेटा, अगर आपकी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हुई तो यहां पर जो भी इसका वेट है वो बोयंट फोर्स से मैच करेगा प्लस आपका विस्कस फोर्स से मैच करेगा। सर ऐसा क्यों? अरे यार, यहां पर इसका एक वेट होगा, जब ये नीचे जा रहा होगा तो विस्कस फोर्स आपका इधर लग रहा होगा। सर वो तो 6 πe·rv होगा। यस होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो विस्कस फोर्स ऊपर ही लग रहा होगा ना। इन्होंने सीधे विस्कस फोर्स पूछा, ना कि टर्मिनल वेलोसिटी पूछी है। तो सर ये टर्मिनल वेलोसिटी का कांसेप्ट क्या है? क्योंकि नेट फोर्स जीरो होगा और इस पे बोयंट फोर्स आपका इधर लग रहा होगा, है ना। तो अब आपको वेट, आपको तो पता ही है इसका वेट तो mg ही रहेगा। अब बोयंट फोर्स कैसे निकालेंगे? तो बोयंट फोर्स होता है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, fb इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, जरा देखो, डेंसिटी d1 विल बी m/ हमारे पास वॉल्यूम v1 आप कह सकते हैं, तो v1 हो जाएगा m/d1, तो यह आ जाएगा m/d1 इंटू डेंसिटी d2 इंटू जी, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा m×d2/d1 × g प्लस विस्कस फोर्स। आपको विस्कस फोर्स निकालना है, इसको इधर ले जाके सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 mm फॉल्स। देखो, वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 mm फॉल्स इन अ सिचुएशन वेयर द इफेक्ट ऑफ बोयंट फोर्स इज नेग्लिजिबल, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द एयर आपको दे दिया, एंड इट्स डेंसिटी इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वाटर। टर्मिनल वेलोसिटी, ये सारे कंसेप्ट आपके वही हैं, तो प्लीज आप अपने टर्मिनल वेलोसिटी को जरूर एक बार रिवाइज करके अच्छे से दीजिएगा, ठीक है। यह आपका टर्मिनल वेलोसिटी का था। वॉटर इज फिल्ड अप टू हाइट 12 मीटर हमारे पास साइड वॉल। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन, ये आपका कंसेप्ट ऑफ टॉरिसली ही है, कंसेप्ट ऑफ इफ्लक्स वेलोसिटी। मैंने क्या बोलता, बहुत सारे केसेस होते हैं उसमें मैक्सिमम मिनिमा का भी केस होता है। अगर आपके पास एक कंटेनर है,
इसमें प्रोजेक्टाइल का भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो चीज होता था वो भी यहां पर आपको बताया जाता है। रिकॉल आपको अपने नोट से करना है। अगर मान लीजिए कि आपकी यहां पर हाइट h है, आप यहां पर कितने डेप्थ पर, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ h, सो दैट जब ये पानी बाहर निकलेगा तो रेंज इसकी जो हो वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन देखो। अब वाटर, अब आप कई बच्चों को डायरेक्टली याद होगा h की वैल्यू होती है बिल्कुल मिड पॉइंट पर h बाय टू। दिस इज द आंसर कि रेंज आपकी मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, कई बार रेंज पूछ लेते हैं और कई बार पूछ लेते हैं कितने डेप्थ पर हम लोग पिन होल करें कि रेंज मैक्सिमम हो जाए, दैट इज h बाय टू। तो क्वेश्चन जरा रीड करें। वाटर इज फिल्ड अप टू अ हाइट ऑफ 12 मीटर, ठीक है, इन अ टैंक हैविंग, कितना देर हो गया, हाँ ठीक है, इन अ टैंक हैविंग वर्टिकल साइड वॉल, और होल इज मेड इन ऑन द वन ऑफ द वॉल एट अ डेप्थ h बिलो द वॉटर लेवल, द वैल्यू ऑफ h फॉर विच द इमर्जिंग स्ट्रीम ऑफ वॉटर एट मैक्सिमम रेंज, सबसे दूर जाके गिरे। अब जरा देखना, जो आपकी इफ्लक्स वेलोसिटी होगी दैट विल बी अंडर रूट में 2gh, वो इससे ऊपर वाली हाइट पर डिपेंड करती है। याद रखना, जहां पर आपने पिन होल करा है उससे ऊपर हाइट कितना है लिक्विड का, उस पर डिपेंड करती है। और अगर आप इसके रेंज की बात करें तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू अंडर रूट में 2, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा, दैट विल बी h माइनस h, है ना। तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा अंडर रूट में 2 इंटू एच माइनस एच बाय जी। यह आ गया। तो अगर आप रेंज की बात करेंगे तो यह आ जाएगा अंडर रूट में 2gh, और यह आता है अंडर रूट में 2 इंटू एच माइनस एच बाय जी। अब आपका जी जी कट जाएगा, यह हो जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट में एच एच माइनस एच स्क्वायर, यही आ जाएगा। अब रेंज को मैक्सिमम करने के लिए अब आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए, रेंज आपका मैक्सिमम हो एट वट एच। तो मैंने कहा आपका जो रेंज आया है दैट इज 2, ठीक है, 2 इंटू अंडर रूट में एच एच माइनस एच स्क्वायर आया है। अगर मैं आर स्क्वायर निकाल लूं तो ये हो जाएगा 4 इंटू, कैलकुलेशन आसान करने के लिए बस, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो आएगा 2 आर इंटू डी आर बाय डी एच, तो ये आपका आएगा 4 इंटू एच माइनस 2 एच। अगर आप dr by dh को जीरो डालेंगे तो जीरो इज इक्वल टू h माइनस 2h, h की बात करें तो h बाय 2 आपका आंसर आता है। अब ये अगर आपको कंसेप्ट ही याद है तो इसका आंसर, अब जब आप एग्जाम, वही कहते हैं अच्छे से रिवाइज करके जाओगे, 12 मीटर का आधा कर दोगे 6 मीटर, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन जो आपका बर्नौली का ये वाला कंसेप्ट और बता देते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो जो है, अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज फ्लोटिंग हाफ इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, तो ये मेरे ख्याल आपका होमवर्क हो गया इस वाले क्वेश्चन का, खुश हो जाओ, है ना। सर कौन सा क्वेश्चन, हम कतरा बताया अपने बेटा, अभी दिखाता हूं, रुक, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला, तो 2020 में आया, 2022 में आया, सब कुछ सेम ही दिख रहा है भाई, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो होमवर्क ये भी दे देना चाहिए, ये राइस टिडली ना, हाँ आ जाओ भाई, ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी का होमवर्क। अब इसके बाद जो कंसेप्ट है वो आपके होमवर्क वाले ही हैं। ठीक है, ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, कंसेप्ट हम लोगों ने मेजोरिटी डिस्कस कर दिए हैं। अब यहां पे प्रेशर डिफरेंस बिटवीन, ये आपका बर्नौलीस, बर्नौलीस, रुको 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 रुको, यहां पर ये इसका होमवर्क है, मार्क नहीं कर पाए लेकिन मैं होमवर्क लिख रहा हूं, आप इसको ट्राई करेंगे बेटा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप रोटेटिंग फ्रेम का, मार्क नहीं कर पाया लेकिन है आपके लिए सिमिलर क्वेश्चन, आपको ये ट्राई करना है। ठीक है, ठीक है, रोटेटेड है हमारे पास, ओके,
एक ये वाला कंसेप्ट कराता हूं, इसी के ऊपर ये वाला क्वेश्चन है और सारे आपके ठीक है। लिक्विड ऑफ डेंसिटी रन थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप, एरिया अलग अलग है, रेट ऑफ फ्लो हम लोगों ने बात कर ही लिया है ठीक है। ये बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन और करना है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज ब्रोकन इनटू 729 इक्वल ड्रॉप्स। अभी तक हम लोग कर रहे थे कोइलीज का केस, अभी तक हम क्या कर रहे थे कोइलीज, जहां पे ड्रॉप्स मिलके एक बड़ी ड्रॉप बना रहे और ये अब टूटने की बात हो रही है। इज ब्रोकन कंसेप्ट ऑलमोस्ट वैसे ही है, बस थोड़ा सा उल्टी डायरेक्शन में चलना है। इस सर्फेस टेंशन ऑफ द वाटर 75 डाइन्स पर सेंटीमीटर, द गेन इन द सर्फेस एनर्जी अप टू फर्स्ट डेसिमल पॉइंट। अब कंसेप्ट तो आपको आई थिंक रिकॉल हो ही रहा होगा ठीक है, जिनको रिकॉल हो रहा है अच्छी बात है। एक पानी की बूंद है ठीक है, आर रेडियस हम लोग मान लेते हैं ठीक है। अच्छा 1 सेंटीमीटर दे ही दिया है और अच्छा बाद में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, चलिए देखते हैं। आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज ब्रोकन इंटू 729 ड्रॉप्स, ये छोटी छोटी कितनी ड्रॉप्स में चले गए हैं 729, बना तो पाऊंगा नहीं, लिख देता हूं 729 ड्रॉप्स में ये टूट गया है ठीक है, इक्वल ड्रॉपलेट्स ठीक है। इनका रेडियस हम लोग आर मान लेते हैं, मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला बना देता हूं क्योंकि इसका जनरलाइज फॉर्मूला होता है ठीक है। कैपिटल आर है, ये एन एन ड्रॉप्स में टूट गया है ठीक है। इफ द सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन इज टी, पानी की बूंद टूटेगी तो क्या मिलेगा सोना। हाँ बेटा सोते रहो तुम ठीक है, सरफेस टी लिखने पर अजीब सा लग रहा है, सरफेस टेंशन टी है ठीक है, सरफेस टेंशन इज टी ठीक है। देन द गेन इन द सरफेस एनर्जी या फिर चेंज इन सरफेस एनर्जी की बात करते हैं ठीक है। तो भाई जरा देखो इनिशियल सरफेस एनर्जी आपकी क्या होती, ये होती टी इंटू 4πr². अब फाइनल सरफेस एनर्जी, भाई देखो पहले तो नया रेडियस निकालना पड़ेगा ना, तो आप क्या कहते हैं भाई 4π3πr³, ये आपकी n ड्रॉप्स में गया है 4π3πr³, तो ये आपका कट जाएगा और अगर आप देखें तो नया रेडियस विल बी आर डिवाइड बाय एन की पावर 1/3, ये नया रेडियस होता है, न्यू रेडियस ऑफ ड्रॉप्स। अब एन की वैल्यू आपको यहां पर 729 दे रखी है ठीक है, आपको एन की वैल्यू 729 हमारे पास दे रखी है ठीक है। अब बात करते हैं सरफेस एनर्जी फाइनल की ठीक है, एक मिनट, एन की वैल्यू आपकी 9 आ रही है, 81 × 9 का क्यूब है ये, वही मैं चेक कर रहा था ठीक है, 9 आ रही है सरफेस एनर्जी फाइनल की बात करें भाई देखो, एक ड्रॉप की जो एक ड्रॉप की सरफेस एनर्जी होगी 1 ड्रॉप, दैट विल बी T into 4π small r का स्क्वायर होगा, दैट विल बी T into 4π, इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो याद जाएगा r² / n की पावर 2/3 याद जाएगा। और ऐसी कितनी ड्रॉप्स हैं, n ड्रॉप्स, तो सरफेस एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ 1 ड्रॉप कह सकता हूं ठीक है। तो ये n टाइम्स ऑफ T into 4πr² / n की पावर 2/3, तो n की पावर 1/3 × T into 4π² दिस इज योर सरफेस एनर्जी फाइनल। n की वैल्यू अगर आप देखेंगे, n आपका 729 है, उसका क्यूब रूट अगर आप करेंगे तो ये 9 टाइम्स आ जाएगा ठीक है हमारे पास। तो द गेन इन द सरफेस एनर्जी इज, तो आपके पास गेन अगर आपको निकालना है तो सरफेस एनर्जी फाइनल माइनस सरफेस एनर्जी इनिशियल, तो अगर आप देखेंगे तो आएगा n³ - 1 × T × 4πr² दिस इज योर जनरलाइज्ड फॉर्मूला, दिस इज योर जनरलाइज्ड फॉर्मूला। n की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपकी 729 दे रखी है, क्यूब रूट करोगे 9 आ जाएगा एंड सेम क्वेश्चन आपको यहां दिख जाएगा। वाटर ड्रॉप ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर ब्रोकन इंटू 64 इक्वल ड्रॉप्स, हो गया क्वेश्चन। द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज इतना, इन द प्रोसेस द गेन इन द सरफेस एनर्जी इज, तो आपका ये सरफेस एनर्जी वाला जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क रहेगा ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो हम लोगों ने मेजॉरिटी जो रिपीटेटिव कंसेप्ट है उनको रिपीट किया, जो भी क्वेश्चन आपको यहां पे खाली मिलेंगे वो आपको ट्राई करने और आंसर मैच एक बार जरूर करने ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चन आपको रेनॉल्ड्स नंबर यार
फॉर्मूला बेस्ड भी है, ध्यान से देखो इस कंसेप्ट को भी मैं बता दूं। रेनॉल्ड्स नंबर आपका एक, जैसे आपकी क्लास में रैंक आती है, ठीक है, कई बच्चों को रटना पड़ता है रेनॉल्ड नंबर होता क्या है। जब पानी फ्लो करता है तो वो स्ट्रीमलाइन में भी होता है, टर्बुलेंट में भी हो सकता है ना। जैसे आप कई बार नदी के पास गए होंगे तो पानी बिल्कुल आराम आराम से फ्लो कर रहा है, जब बाढ़ वाड़ की सिनेरियो आते तो पानी बहुत उबड़ खाबड़ तरीके से फ्लो करता है ना। तो जब कोई पार्टिकल का फिक्स रास्ता नहीं होता है चलने का, तब हम उसको टर्बुलेंट कहते हैं। और अगर एक पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल को फॉलो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। जब आप स्कूल में प्रेयर के लिए जाते हैं तो आप सारे बच्चे क्या लाइन बना के जाते हैं, दैट इज स्ट्रीमलाइन, ठीक है। लंच के टाइम में बेटा टर्बुलेंट, सब पगलाए पड़े हैं, एनर्जी अभी पेट में गया है, ठीक है, तो दैट इज टर्बुलेंट। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, एक ऐसा पानी के लिए एक नंबर है, पानी फ्लोइंग वाटर के लिए एक ऐसा नंबर है जो आपको यह बता देगा कि पानी किस तरीके का फ्लो हो रहा है। जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया है ये रेनॉल्ड्स नंबर, अगर आपका 1000 से नीचे है तो पानी स्ट्रीमलाइन है, और 2000 से ऊपर है तो टर्बुलेंट है, 1000 से 2000 के बीच में है तो ये हमारे पास कन्वर्जन है। कहीं पर ये 1500 का भी वैल्यू होता है, लेकिन आप देख लेना एनसीईआरटी के में क्या वैल्यूज है, वही आपको माननी पड़ेगी। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि पानी हमारे पास 500 रेनॉल्ड नंबर का है, तो आपको समझ आया अच्छा वो आराम आराम से फ्लो कर रहा है, अरे पानी 5000 रेनॉल्ड नंबर का है, अरे भैया भागो वहां से, ठीक है, तबाही होने वाली है। रेनॉल्ड नंबर एक रैंक है, जैसे फर्स्ट रैंक वाले का अगर मैं कहूं भाई इसके आईआईटी में फर्स्ट रैंक आए, तो आप ये थोड़ा है पढ़ाई नहीं होगा, अपने समझना। मैंने कहा इसकी आईआईटी में रैंक आई है 5,70,000 कुछ है, कह सर बताओ मत पता लग गया, ठीक है, और 70,000 के बाद 100 हो 200 हो क्या ही फर्क पड़ता है। रैंक से आपको क्या सिग्निफिकेंस मिल रहा है आईआईटी के रैंक से, कि बच्चे ने एग्जाम कितना अच्छा दिया, अच्छा है या नहीं वो अलग बात है, क्योंकि एक पेपर कैन नॉट डिसाइड। एग्जाम आपने अच्छा दिया तो अच्छे मार्क्स आए, एग्जाम आपका गंदा गया तो गंदे मार्क्स आए। मैं ये नहीं कह रहा अच्छा बच्चा है या खराब बच्चा है, सिंपल सी बात है ना। तो रैंक आपका क्या डिसाइड करता है, कि आपना आपका उस समय वो 3 घंटा आपने कैसे दिया है, पेपर अच्छा दिया या खराब दिया, डजंट मैटर कि आप अच्छे हैं या खराब है, बट वो पेपर कैसा गया, राइट। उसी प्रकार से पानी के लिए भी एक नंबर है, जब वो फ्लो करता है तो एक नंबर है, वो नंबर सिग्निफाई करता है वो किस स्टेट का फ्लो है, स्ट्रीमलाइन है टर्बुलेंट है। रेनॉल्ड नंबर इज जस्ट अ नंबर। तो आप अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं था तो आप यूनिट्स एंड डायमेंशन से जा सकते थे, वैसे तो डायमेंशन एनालिसिस, क्योंकि देखो ये ऊपर नीचे ही तो कर रहे हैं, सबकी डायमेंशन अलग अलग होगी, ये डायमेंशनली M0 L0 T0 होता है, चेक करना आपका ये आंसर। अगर आपने फ्लूइड्स नहीं भी पढ़ा था, यूनिट्स एंड डायमेंशन से आप इस क्वेश्चन को फोड़ सकते थे, ठीक है। तो यहां तक हम लोग इस चैप्टर को रखेंगे, अगला चैप्टर हमारा थर्मो वाला पार्ट स्टार्ट होगा, 2 लेक्चर आएंगे थर्मो के, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स सेपरेट होगी, उससे आगे कैलोरीमेट्री हीट ट्रांसफर वाला पार्ट हम लोग अलग करने वाले हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।